नमस्ते, सभी का बहुत स्वागत और सभी को सुबह की बहुत बहुत भाई राम राम, बहुत बहुत राम राम सभी को। और जो भी बच्चे साथ जुड़ चुके हैं भाई, सभी का बहुत स्वागत। क्लास थोड़ा सा 5 मिनट की देरी से स्टार्ट हुई। अच्छा, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। काफी बच्चे भी साथ जुड़ चुके हैं ना, बहुत सारे बच्चे। चीकू हैं, निकिता हैं, इनोसेंट शर्मा, इनोसेंट शर्मा, किरण परमार हैं, वीके, नेहा परनामी, बबीता, आशा, संगीता, काजल, सभी बच्चे। अच्छा, मॉर्निंग में। अच्छा, टाइम चेंज कर दिया। ये हो सकता है बच्चों, देखो, जानबूझ के टाइम चेंज किया हो, क्योंकि सर की क्लास और मेरी क्लास, तो संभव है थोड़ा सा इफेक्ट हमारी क्लास कर ही रही थी, इसी कारण ये हो सकता है कि भाई जानबूझ के टाइम चेंज किया गया हो। तो कोई बात नहीं बच्चों, क्लास जो है आप बिल्कुल, आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे ले सकते हैं ना। कमल सिंह राजपूत, आपको बहुत नमस्ते, जय माता दी। और किट्टू है, पीआर एडिटिंग है, गर्वित है, सभी बच्चे जो साथ जुड़े हैं सभी को बहुत नमस्ते, है ना। और काफी बच्चे जो हैं, मैना बैरवा भी हैं, बहुत बढ़िया भाई। काफी बच्चे जो साथ जुड़े हैं बच्चों, आपको कल मैंने शाम को सीखने के प्रतिफल जो है उसका टॉपिक आपको कराया था, तो जिन भी बच्चों ने वो टॉपिक नहीं देखा जरूर एक बार देखिएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में जुड़ा हुआ नया टॉपिक कराया था कल मैंने, और नया टॉपिक है तो वहां से आपके लिए प्रश्न जरूर बनेगा। बिल्कुल, सीखने के प्रतिफल कल मैंने कराए थे, लर्निंग आउटकम। तो वो जो टॉपिक है, जो भी यहाँ लगता है वहां से बच्चे जाते हैं आपकी क्लास शुरू होते ही। अच्छा, हाँ बिल्कुल संभव यही है ना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भाई बिल्कुल नमस्ते जावेद, आपको नमस्ते। अच्छा, वीके भी खाने क्लास शुरू होते ही बच्चे आ जाते हैं, हो सकता है इसीलिए क्लास का टाइम चेंज किया हो, है ना। चलिए कोई बात नहीं, आज देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं स्किनर की थ्योरी, और वो थ्योरी क्या है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है, अच्छा कल भाई मैंने क्लास ली थी रामेश्वर, कल क्लास ली थी शाम को, और उसमें अधिगम के जो अपने सीखने के प्रतिफल हैं वो मैंने पढ़ाए थे। तो आप सभी बच्चे जिन्होंने भी नहीं देखा जरूर एक बार देखिएगा, क्योंकि नया टॉपिक है ना, आपके काम आएगा और क्वेश्चन जरूर बनेगा वहां से, है ना। सभी, हाँ सभी राज्यों में एक ही SCERT होता है। बिल्कुल ममता, ये तो मैंने पहले ही बताया था। अच्छा, MD मेयर क्लास जो है कल ली गई थी, है ना, कल शाम को ली थी। बिल्कुल, सभी को नमस्ते। मोहम्मद आजिम, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। चलिए अब देखिए यहाँ, ये हमने पिक्चर लगाई है और अपने आप में ही बहुत कुछ कहती है ये तस्वीर, है ना, बहुत कुछ कहती है। और बहुत कुछ क्या कहती है कि विल प्रेस लिवर फॉर फूड। सिंपल बात, ये चूहा जो है उसने कहा, लेकिन काफी कुछ बता दिया, मुझे भोजन के लिए लिवर को प्रेस करना होगा। तो अपने आप में थ्योरी जो है वो यहीं से शुरू होती है, स्किनर का सिद्धांत, इंग्लिश में ध्यान रखना, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। बी एफ स्किनर भाई, देखिए स्किनर साहब का जो फोटो है यहाँ पर, एक बढ़िया सी तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है ना, और वाकई तस्वीर देख के ऐसे लग रहा है स्किनर ने बहुत सारे अच्छे काम किए। नारायण बिल्कुल, हम निश्चिंत रहिए, आपसे ज्यादा मुझे जल्दी है ना, और मैं बिल्कुल, मुझे अंदाजा है आज हमारी चौथी पांचवी क्लास है, और आने वाले मैंने आपको 10 दिन में लर्निंग की कंप्लीट बात की है, हम बिल्कुल इसको कवर अप कर लेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको प्याजे वाइगोत्स्की की थ्योरी करा दूंगी, तो बिल्कुल अच्छा हाँ
हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, है ना। तो देखिए भाई, स्किनर की तस्वीर मैंने खुद पहली बार इतनी अच्छी सी तस्वीर देखी है। स्किनर की तस्वीर देखी तो पहले भी बहुत बार, लेकिन कहीं हमें ब्लैक एंड व्हाइट दिखी और कहीं किसी और तरह की, तो बहुत अच्छी सी तस्वीर। स्किनर के द्वारा दिया गया सिद्धांत, बीएफ स्किनर निवासी थे अमेरिका के, और सिद्धांत का जो वर्ष है वो है 1938। वर्ष ध्यान रखिएगा 1938। प्रयोग दो चीजों पर किए गए, कबूतर पर और दूसरे प्रयोग किए गए चूहे पर। कबूतर चूहे पर प्रयोग करके इन्होंने अपनी ये थ्योरी दी। देखो, स्किनर भी जो है व्यवहारवादी विचारक हैं, और बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, वही बात थॉर्नडाइक ने जो थ्योरी दी थी, थॉर्नडाइक ने अपनी थ्योरी दी थी स्ट्यूमलेस रेस्पॉन्स पर। पावलव ने थ्योरी जब दी तो उन्होंने स्ट्यूमलेस ट्यूमलेस के बीच एक रिलेशन बनाया, और स्किनर ने जब अपनी थ्योरी दी तो उन्होंने जो रिलेशन बनाया था वो अनुक्रिया और उद्दीपन के बीच बनाया था। इसीलिए स्किनर की जो थ्योरी क्या कहलाती है, आरएस थ्योरी कहलाती है। तो बिल्कुल ये आरएस थ्योरी से जुड़ते हैं, ध्यान रखिएगा। थॉर्नडाइक जुड़ते हैं एसआर से, पावलव जुड़ते हैं सीआर से, और स्किनर किससे जुड़ते हैं, आरएस से। थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है वो एसआर है, पावलव की थ्योरी केवल एस, और स्किनर की थ्योरी केवल आर। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम में। अभी एक परीक्षा जो टेट एग्जाम हुआ, उसमें पूछा गया केवल एस थ्योरी किसकी है, तो केवल एस थ्योरी जो है वो किसकी है, पावलव की, और केवल आर थ्योरी किसकी है, वो किसकी थ्योरी है, स्किनर की। तो यहाँ आपको ये तीनों चारों बातें ध्यान रखनी है, एसआर थॉर्नडाइक, सीआर पावलव, आरएस स्किनर। देखिएगा, इस सिद्धांत के बहुत सारे नाम, इसे नवीन अनुबंधन कहा जाता है, और पुराना अनुबंधन पावलव की थ्योरी को कहते हैं। प्राचीन अनुबंधन पावलव की थ्योरी है, नया अनुबंधन जो है वो किसकी थ्योरी कही जाती है, स्किनर की। इसी को कहा जाता है साधनात्मक अनुबंधन। तो साधनात्मक जो अनुबंधन है वो क्यों कहा जाता है, इसे इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग कहते हैं। ये इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग कहा जाता है, इसी को क्या कहते हैं, साधनात्मक अनुबंधन। ये कार्यात्मक अनुबंधन कहा जाता है, जिसमें बच्चा जो है वो अलर्ट रहकर सीखता है, इसीलिए इसे कार्यात्मक और सक्रिय क्रिया सिद्धांत कहा जाता है। यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो अपने आप में ही एक्टिव लर्नर होता है, इसीलिए इसे कार्यात्मक अधिगम या सक्रिय क्रिया सिद्धांत कहते हैं। इसे आरएस सिद्धांत कहते हैं, और केवल आर टाइप सिद्धांत। ये क्वेश्चन में पूछा गया नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन को भी इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंटल ही कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा भाई, स्किनर की ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी में ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। साधनात्मक अनुबंधन पूछा जाता है, नैमित्तिक अनुबंधन पूछा जाता है, तो ये दोनों ही नाम आपको ध्यान रखने हैं। स्किनर ने जो ये नाम दिए, स्किनर ने जो अपनी थ्योरी दी, इनके काफी सारे जो नाम है, नया अनुबंधन स्किनर का, और पुराना जो अनुबंधन है वो किसका है, पावलव का। पुरानी जो लर्निंग थ्योरी है वो पावलव से जुड़ती है, नई लर्निंग थ्योरी किसकी होती है, इंग्लिश में। हिना मैंने आपको बताया ही है भाई, यहाँ पर सबसे मेन जो नाम है हिना, वो क्या होगा, इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग इसको कहा जाता है इंग्लिश में, या ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है इंग्लिश में, रेस्पॉन्स और फिर स्ट्यूमलेस थ्योरी होती है, ओनली रेस्पॉन्स थ्योरी होती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, केवल रेस्पॉन्स थ्योरी ही मानी जाती है। तो इस आधार पर ये लर्निंग थ्योरी के आपको क्या ध्यान रखने होंगे, नाम। आजकल अलग अलग नाम पूछे जाते हैं बच्चों, और इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स की बात करूं तो यांत्रिक सिद्धांत, वीके इसको नहीं कहते, विक्की आपने लिखा, यांत्रिक, यांत्रिक सिद्धांत कहते हैं पावलव की थ्योरी को। मैंने वहां आपको लिखवाया भी है, पावलव की थ्योरी को यांत्रिकता, मैकेनिज्म की थ्योरी कहते हैं। ये थ्योरी मैकेनिज्म की थ्योरी नहीं है, वो पावलव की थ्योरी है। तो
और यहाँ जो सबसे मेन नैमित्तिक लिखा हो तो भी इंस्ट्रूमेंटल होगा, साधनात्मक लिखा हो तो भी ये इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी ही माना जाता है। तो ये सभी नाम आप ध्यान रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, स्किनर का सिद्धांत थॉर्नडाइक के किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ध्यान रखिएगा, स्किनर का जो सिद्धांत है थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? प्रभाव के नियम पर। स्किनर का जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? भाई प्रभाव के नियम पर आधारित है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना। मैं आपको फिर एक चीज बता रही हूं, एग्जाम में जब भी प्रश्न आए तो आपको ध्यान रखना है तीनों विचारकों में थॉर्नडाइक और स्किनर का सिद्धांत लगभग लगभग सेम कंडीशंस में काम करता है, थोड़ा सेम है। और पावलव की जो थ्योरी है, पावलव की थ्योरी इन दोनों से अलग है और वहां पर दोनों से उससे अंतर भी किया जाता है। तो थॉर्नडाइक ने जिसे प्रभाव कहा था उसी को स्किनर ने क्या नाम दिया? उसी को स्किनर ने पुनर्बलन कह दिया। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि थॉर्नडाइक की थ्योरी पर या थॉर्नडाइक के किस नियम पर स्किनर का सिद्धांत आधारित है? तो वहां आपको ध्यान रखना है थॉर्नडाइक के किस नियम पर? प्रभाव के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट जो पॉइंट याद रखेंगे, स्किनर मौलिक व्यवहारवादी भी कहे जाते हैं। स्किनर जो है इन्हें मौलिक रेडिएंट बिहेवियरिस्ट कहा जाता है। तो स्किनर मौलिक व्यवहारवादी कहे जाते हैं। तीनों में से पूछा जाए तो स्किनर की थ्योरी बेस्ट होती है। सेकंड नंबर पर थ्योरी किसकी काम करती है? थॉर्नडाइक की। और थर्ड नंबर पर किसकी काम करती है? पावलव की। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। स्किनर मौलिक व्यवहारवादी कहे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। व्यवहारवाद के जो जनक हैं वो जनक कहे जाते हैं वॉटसन। व्यवहारवाद किसके सिद्धांत पर आधारित है? किसके सिद्धांत पर आधारित है? पावलव के सिद्धांत पर। थॉर्नडाइक का सिद्धांत में उद्दीपन पर, और स्किनर के सिद्धांत में, हाँ थॉर्नडाइक के सिद्धांत में पहले उद्दीपन पर बल देते हैं और स्किनर की थ्योरी में पहले अनुक्रिया पर बल देते हैं। इसीलिए दोनों का जो सिद्धांत है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन क्योंकि प्रभाव को उन्होंने भी महत्वपूर्ण माना, तत्परता को उन्होंने महत्वपूर्ण माना, तो तत्परता जिसे महत्वपूर्ण माना गया वो सक्रियता से जोड़ा गया, सक्रियता से उसे जोड़ा गया है। अच्छा नारायण, बिल्कुल। हम कहें देखो इन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी, अलग अलग सिद्धांत दिए, लेकिन जहां ये एक दूसरे से जुड़ रहे हैं ना वहां हम इसे थोड़ा सा सेम कहेंगे। दो जगह पर, यहां पर प्रभाव की बात की जाएगी और यहां तत्परता की बात की जाएगी, रेडीनेस। जिसे इन्होंने रेडीनेस से जोड़ा, स्किनर ने इसे अलर्टनेस से जोड़ा, और जहां इन्होंने कहूं प्रभाव की बात की, स्किनर ने उसे पुनर्बलन से जोड़ा, तो वहीं से तो ये थोड़ा सा सेम होते हैं। हालांकि कुछ चीजों में आगे जाकर डिफरेंस जो है दोनों में बिल्कुल पूछा जाता है, डिफरेंस भी पूछा जाता है। पहले आप इसे पढ़ेंगे तो आपको अपने आप जो है वो डिफरेंस भी पता लगेगा। देखिएगा, स्किनर मौलिक व्यवहारवादी कहे जाते हैं क्योंकि इन्होंने सिद्धांत को देने से पूर्व व्यवहार को दो भागों में विभाजित किया और इसी विभाजन से इनका जो है वो क्या निकला था? सिद्धांत। डिफरेंस ये है कि व्यवहार जो है, व्यवहार का इन्होंने विभाजन किया था, और स्किनर जो है इन्होंने कहा कि प्राणी जो है वो दो तरह का व्यवहार करता है, पहले तरह का व्यवहार ऐच्छिक और दूसरे तरह का जो व्यवहार है वो कौन सा होता है? अनैच्छिक। तो बिहेवियर का जो अध्ययन है, दो प्रकार का जो व्यवहार इन्होंने बांटा, वो व्यवहार बांटने वाले कौन थे? स्किनर थे। तो
इसीलिए इन्हें मौलिक व्यवहारवादी भी कहा गया। दूसरी चीज स्किनर जो है, स्किनर की जो थ्योरी है वो किस तरह के बिहेवियर से जुड़ती है? ऐच्छिक। अब एक बात समझो, जब हम मनोविज्ञान की बात करते हैं, जब हम व्यवहार की बात करते हैं, तो वॉटसन जब आए तो वॉटसन ने क्या कहा? यहां पर देखिएगा, वॉटसन ने कहा जैसे ही उद्दीपन मिलेगा आप उसके प्रति क्या करेंगे? अनुक्रिया करेंगे। मैंने अभी कुछ आवाज की तो जैसे ही आवाज हुई आप उस आवाज के लिए चौंके और चौंक कर आपने कुछ काम किया, वहां पर आपका जो व्यवहार है वो जो होगा वो अनैच्छिक होगा। अनैच्छिक व्यवहार वो व्यवहार जिस पर प्राणी का किसी भी तरह का कोई नियंत्रण नहीं होता। अनैच्छिक व्यवहार वो व्यवहार जिस पर प्राणी का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आप लोगों ने पावलोव की थ्योरी को देखा है, पावलोव की थ्योरी में जो लार आने की क्रिया है वो अनैच्छिक व्यवहार मानी जाती है। बच्चों डिफरेंस ध्यान रखना, अगर पावलोव और स्किनर में आपको अंतर पूछा जाए या पावलोव और थॉर्नडाइक में अंतर पूछा जाए, तो पावलोव जो है वो हमेशा किस व्यवहार का समर्थन करते हैं? ऐच्छिक व्यवहार का। जबकि सॉरी पावलोव किस व्यवहार का समर्थन करते हैं? अनैच्छिक व्यवहार का। जबकि स्किनर ऐच्छिक व्यवहार से जुड़ते हैं। अभी पीछे एक प्रश्न किया गया कि एक व्यक्ति का इधर उधर टहलना, इधर उधर टहलना ऐच्छिक व्यवहार है या अनैच्छिक व्यवहार? तो इधर उधर टहलना मर्जी से होता है वो ऐच्छिक व्यवहार होगा, लेकिन छींक आने पर आंखों का बंद हो जाना, तेज रोशनी में आंखों का बंद हो जाना, आपकी लार आना या आपकी श्वास की जो गति है, आपका सांस लेना, आपके दिल की धड़कन, ये सभी जो व्यवहार है किसको? हाँ बिल्कुल, रेस्पोंडेंट बिहेवियर और ऑपरेंट बिहेवियर, सही कहा। ये रेस्पोंडेंट बिहेवियर है अनैच्छिक, और ऐच्छिक ऑपरेंट बिहेवियर मैं अभी आपको बताने वाली हूं। तो यही ऐच्छिक को इन्होंने ऑपरेंट बिहेवियर कहा था, और यही ऑपरेंट नाम जो निकला था इनकी थ्योरी का, ऑपरेंट नाम यहीं से निकला था। स्किनर ने बिहेवियर का जो दो भागों में विभाजन किया, ऑपरेंट ऐच्छिक को कहा गया और रेस्पोंडेंट किसको कहा गया था? अनैच्छिक को। क्रिया प्रसूत वे व्यवहार या अनुक्रिया है जो जानकारी और जानकारी के द्वारा प्राणियों और मनुष्यों के द्वारा, जानकारी से प्राणी और मनुष्य द्वारा ऐच्छिक रूप से प्रकट किया जाता है, और ये क्रियाएं प्राणी के किस में रहती हैं? नियंत्रण में रहती हैं। जबकि अनैच्छिक क्रियाओं पर प्राणी का कोई भी नियंत्रण नहीं होता। हाँ छींक आना अनैच्छिक होता है, चलते चलते कील पर पांव पड़ना, झटके से पांव का खींचना, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, ह्यूमन का एनवायरनमेंट पर इफेक्ट होता है, और पावलोव के सिद्धांत में एनवायरनमेंट का ह्यूमन पर इफेक्ट, बिल्कुल सही लिख रही है ना टीचर्स? अच्छा, आशा आशा एक बहुत ही अलग सलाह दे रही है। आप बच्चों को शायद, मुझे लगता है कुछ दिक्कत हो रही है आज, है ना? हिंदी की क्लास आज जल्दी लगाई गई है तो बच्चों शायद जानबूझकर किया गया है। तो चलिए मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी, है ना? अब देखो यहां ये ध्यान रखना, स्किनर ने क्या कहा कि जो व्यवहार हम जानबूझकर करते हैं, हमारी जानकारी के द्वारा करते हैं, जैसे कि हमारा हाथों को हिलाना, जैसे हमारा लिखना, जैसे हमारा चलना, ये सभी जो क्रियाएं हैं ये ऐच्छिक होती हैं, क्योंकि ये हमारे पूरे किस में रहती हैं? नियंत्रण में रहती हैं। इसमें प्राणी सक्रिय रहकर कार्य करता है,
और क्रिया प्रसूत व्यवहार में ही अनुबंधन कर लेना, हमारे ऐच्छिक व्यवहारों में ही अनुबंधन कर लेना ही क्या कहलाता है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहलाता है। यहां जो ये पूरी लाइन लिखी गई है बच्चों, ये सिद्धांत का सार है। स्किनर ने क्या कहा कि अगर हम प्राणी की ऐच्छिक क्रिया को कंट्रोल, जो प्राणी का खुद का होता है, ऐच्छिक क्रिया को किसी के साथ अनुबंधित कर दें, मर्जी से की जाने वाली क्रिया को किसी के साथ अनुबंधित कर दिया जाए, तो वही क्या कहलाएगा? क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहलाएगा। उसी को क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहा जाएगा। स्किनर जो है, स्किनर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, स्किनर की किताब का नाम याद रखना, बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म में व्यवहार का विभाजन करते हुए ये सिद्धांत प्रस्तुत किया, और इसी किताब में इन्होंने व्यवहार का दो भागों में विभाजन किया। अब यहाँ ऐच्छिक और अनैच्छिक व्यवहारों के अलग अलग नाम है बच्चों, तो अलग अलग नाम याद रखना। ये कहलाएगा रेस्पोंडेंट बिहेवियर और ये कहलाएगा ऑपरेंट बिहेवियर। स्किनर ने अपनी इसी थ्योरी में, ये जो स्किनर की जो किताब है, इसी किताब में इन्होंने व्यवहार का दो भागों में विभाजन किया, ऐच्छिक और अनैच्छिक। और ये ध्यान रखना, इसी किताब में स्किनर की इस थ्योरी को दिया गया था। और स्किनर की थ्योरी कौन सी है? स्किनर की थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। स्किनर की किताब का नाम क्या है? बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखेंगे। अनैच्छिक व्यवहार को हिंदी में अलग अलग नाम दिए गए, इसे सहज क्रिया व्यवहार भी कहा जाता है, इसे प्रतिवादी व्यवहार भी कहा जाता है, इसे प्रकाशित व्यवहार भी कहा जाता है, या इसे स्किनर के शब्दों में इलिसिटीड व्यवहार भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट नाम है बच्चों, याद रखेंगे। स्किनर ने इलिसिटीड बिहेवियर किस बिहेवियर को कहा था? अनैच्छिक व्यवहारों को स्किनर ने कौन सा बिहेवियर कहा था? इलिसिटीड। बिल्कुल, इंग्लिश में बच्चों ये इलिसिटीड ही लिखा जाएगा। इंग्लिश में ये जो नाम है ये इलिसिटीड ही है, और इंग्लिश में एक दूसरा नाम जो इसके लिए होता है वो रेस्पोंडेंट है। और हिंदी में ऐच्छिक व्यवहारों को उत्सर्जित व्यवहार या क्रिया प्रसूत या एमिटीड बिहेवियर कहा जाता है। तो इसे जो नाम दिया स्किनर के द्वारा, वो कौन सा बिहेवियर कहा गया? एमिटीड बिहेवियर। तो भाई एमिटीड और इलिसिटीड, आप ये दोनों बातें ध्यान रखेंगे। इलिसिटीड बिहेवियर अनैच्छिक होता है, और एमिटीड बिहेवियर जो है वो कौन सा होता है? ऐच्छिक होता है। स्किनर की थ्योरी पूरी तरीके से एमिटीड बिहेवियर से जुड़ती है, जबकि पावलोव की थ्योरी पूरी तरह से वो किस बिहेवियर से जुड़ती है? इलिसिटीड से। बिल्कुल भारत मीना, इंग्लिश में नाम जो है वो एक दो ही होते हैं, हिंदी में और भी कई नाम हो सकते हैं। हिंदी में अगर कोई और नया नाम देंगे तो या तो आपको नैमित्तिक का अर्थ होता है नारायण कुमावत, इंस्ट्रूमेंटल, नैमित्तिक किसी चीज के निमित्त, हम हिंदी में कहते हैं ना कि उसके निमित्त ये कार्य किया गया, तो वहां इंस्ट्रूमेंटल जो आपको पुरस्कार मिलेगा उसके लिए आपने वो काम किया, इसीलिए इसे नैमित्तिक कहा जाता है। तो पुरस्कार के लालच में आपने कुछ काम किया, इसीलिए इसे नैमित्तिक भी कहा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, स्किनर की जो थ्योरी है, स्किनर की थ्योरी में ध्यान रखिएगा, अनुक्रिया इंपॉर्टेंट होती है, अनुक्रिया महत्वपूर्ण होती है, और पावलोव की थ्योरी में जो है उद्दीपक महत्वपूर्ण होता है। स्किनर ने चूहे व कबूतर पर प्रयोग कर अपने क्रिया प्रसूत व्यवहार को सिद्ध किया, और उसमें फिर क्या किया था? अनुबंधन। सबसे पहले तो इन्होंने कबूतर और चूहे पर जो प्रयोग किए, तो ये बताया कि भाई ऐच्छिक व्यवहार कैसे होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भारत, आज जो आपका बिहेवियर है रीट के लालच में, तो आपका बिहेवियर भी ऐच्छिक है और निमित्तिक है। आप किसी कारण से पढ़ रहे हैं, किसी के निमित्त पढ़ रहे हैं।
किसी के निमित्त आप लोग पढ़ रहे हैं तो वहां भी आपका बिहेवियर जो है वो ऐच्छिक होगा। स्किनर ने जो प्रयोग किए वो स्किनर बॉक्स में किए गए। स्किनर में शुरू में ये जो बॉक्स है इसे क्या कहा था, शुरू में इस बॉक्स को क्रिया प्रसूत कहा गया और बाद में इसे क्या नाम दिया गया, बाद में इसे नाम दिया गया था स्किनर बॉक्स नाम कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा स्किनर की जो थ्योरी है वो किस पर आधारित होती है। एक दूसरी बात जो मैं बताने जा रही हूं, स्किनर का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत ए बी ए अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस पर आधारित है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अभी आपको ये लिखकर दे रही हूं, स्किनर की जो थ्योरी है, स्किनर की जो थ्योरी है ये ए बी ए पर आधारित है। अच्छा भारत बिल्कुल मोस्ट वेलकम भाई, आप जरूर आइएगा। बिल्कुल सरोज आपको राधे राधे, राधे राधे सभी को राधे राधे। जो बच्चे अभी साथ जुड़े हैं भाई, आप सब बच्चे जो हैं, कल शाम को मैंने अधिगम के प्रतिफल, सीखने के प्रतिफल टॉपिक कराया था, वो भी आपका अधिगम और मापन मूल्यांकन से जुड़ता है। सीखने का प्रतिफल टीचिंग मेथड से भी जुड़ता है और मनोविज्ञान में भी वो टॉपिक है, नया टॉपिक है, तो आप सभी उसको जरूर देखिएगा, सभी जरूर एक बार देखिएगा, नया टॉपिक है तो वहां से क्वेश्चन आपके लिए जरूर बनेगा, है ना। बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे। अच्छा सरोज कह रही है टेलीग्राम पर हमें पता लग गया, तो बहुत बढ़िया भाई, टेलीग्राम से आपको सूचना सही मिल जाती है ना, तो आप जरूर देखिएगा उसको। आप देखिएगा यहां इसको समझिए, स्किनर ने जो अपनी थ्योरी दी थी, अब ध्यान से समझना सभी बच्चों, एक बार ध्यान देना, स्किनर ने क्या कहा कि कोई भी प्राणी दो तरह का व्यवहार करता है। जैसे मैं आप लोगों की बात करूं, आप लोग मुझे कई बार ये बात करते हैं कि मैम आप बोर्ड पे पढ़ाइए, है ना, लेकिन मैं जो है जिस तरह से भी पढ़ा रही हूं या भी जो मेरे पास साधन उपलब्ध है, हम उस थ्योरी के अकॉर्डिंग या साधन के अकॉर्डिंग, बिल्कुल हाँ, हम उस साधन के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, हम उस साधन के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, तो आप में से जिन बच्चों को अच्छा लगेगा वो बच्चे मेरी क्लास लेंगे, जिन बच्चों को बढ़िया लगेगा वो तो क्लास लेंगे, लेकिन जिन्हें अच्छा नहीं लगेगा वो मेरी क्लास को नहीं लेंगे। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, पहली बात। इट मींस ये आपका कैसा व्यवहार हो गया, ये आपका ऐच्छिक व्यवहार हो गया। दूसरी बात, स्किनर ने क्या कहा, ऐच्छिक व्यवहार जो होता है वो ए बी ए पर आधारित होता है। ए बी ए पर आधारित यानी कि सबसे पहले हम सामने वाले के व्यवहार का क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, और विश्लेषण करके व्यवहार में उसी तरह का चेंज लाने का प्रयास करते हैं जैसा चेंज हम लाना चाहते हैं। मैंने आप सबके व्यवहार का विश्लेषण करके ये पता किया कि जिन बच्चों को कंटेंट चाहिए, जिन बच्चों को मैटर चाहिए, जिन बच्चों को रीट परीक्षा वाकई पास करनी है और उन्हें लगता है कि भाई हमें अच्छा कंटेंट मिल रहा है, वो बच्चे मेरे साथ जरूर जुड़ेंगे चाहे मैं किसी भी परिस्थिति में पढ़ाऊं। तो ये जो आपके बिहेवियर का मैंने एनालिसिस किया और उसके आधार पर पढ़ाने का जो मेरे पास साधन उपलब्ध हुआ, मैंने उसी से आपके लिए क्लास लगाई और आप बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, तो ये जो आपका परिवर्तन है, आपके व्यवहार का जो ये रिलेशन है, ये रिलेशन किस थ्योरी पर आधारित है, स्किनर की थ्योरी पर आधारित है। स्किनर ने यही बात की कि ऐच्छिक व्यवहार में जब कोई परिवर्तन लाते हैं, मर्जी से होने वाले व्यवहार में जब हम व्यवहार विश्लेषण के आधार पर कोई चेंज लाते हैं तो वही क्या कहलाता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहलाता है। ऐच्छिक व्यवहार में
कोई ना कोई रिलेशन जोड़कर जो आपके बिहेवियर में चेंज हुआ वही क्या कहलाएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहलाएगा। जी हाँ, बॉक्स थ्योरी, इसको बॉक्स थ्योरी भी कहते हैं, लेकिन बॉक्स में भी आपको अलग अलग, तो जहां पर पजल थ्योरी जो होती है, पजल बॉक्स से जो जुड़ते हैं वो तो थॉर्नडाइक जुड़ते हैं, पावलव ने बॉक्स का कोई नाम नहीं दिया, स्किनर के बॉक्स को ऑपरेंट बिहेवियर बॉक्स भी कहा जाता है, तो इस आधार पर ये चीजें काम करती हैं। आज से टीचिंग मेथड्स की क्लास शुरू है रात को 9 बजे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए मैं फिर बीच का कोई समय कुछ निकालूंगी, तो हम एक बार टीचिंग मेथड्स की थ्योरी भी पढ़ लेते हैं, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आपके लिए टॉपिक है वो हम शुरू कर रहे हैं, तो रात को जो 9 बजे क्लास होगी उसमें टीचिंग मेथड्स पढ़े जाएंगे। आप देखिएगा, स्किनर की जो थ्योरी है ये एबीए पर आधारित है, और वर्तमान में आपके बहुत सारे जो कार्य हैं वो एबीए से जुड़ते हैं। देखिएगा, स्किनर ने एक इस तरह का बॉक्स बनाया जो सामने आपको बॉक्स दिख रहा है, और ये जो बॉक्स था, इस बॉक्स की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, ये जो बॉक्स है, यहाँ ये जो लिवर है, ये लिवर दबाने पर चूहे को भोजन मिलता था, ये लिवर है बच्चों, चूहे को बॉक्स में बंद किया गया, और बॉक्स जो है वो इस तरह का है कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब चूहा जो है इस बॉक्स में उछल कूद मचा रहा है, उछल कूद मचाते मचाते, उछल कूद क्योंकि कर रहा है, चूहे का कैसा व्यवहार है, उछल कूद मचाना चूहे का कैसा व्यवहार है, ऐच्छिक व्यवहार है भाई, मर्जी से होने वाला व्यवहार है। मर्जी से व्यवहार करते करते अचानक से चूहे का जो पैर है वो इस लिवर पर पड़ता है, जैसे ही चूहे का पैर लिवर पर पड़ा, यहां से उसके लिए भोजन जो है वो यहां गिर गया। अब उसने शुरू में तो क्या हुआ कि उसे समझ ही नहीं आया कि भोजन कैसे मिल गया। अब उसने, ठीक है, भोजन उसको मिल गया तो उसने तुरंत भोजन किया। अच्छा ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों की बात करें तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए बच्चों, हम बढ़िया तरह से, हाँ बढ़िया तरह से पढ़ लेंगे बच्चों। व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स अलग है भाई, व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स अलग है ना। ब्रजमोहन वो अलग है, उसको हम अलग तरह से देखते हैं, वो अभिसारी अपसारी से जुड़ता है ना, तो वो मैंने आपको पहले ही बताया था, काफी बच्चों को पता ही है, तो एक बार इसको समझो बच्चों, पहले इसको समझो है ना, फिर बताती हूँ मैं आपको। यहाँ देखो, ये बॉक्स उन्होंने बनाया, बॉक्स जो है, इस बॉक्स की बात करूं तो अचानक उछल कूद करते हुए चूहे का जो पैर है इस लिवर पर पड़ा, जैसे ही वजन से थोड़ा सा लिवर दबा, लिवर के दबते ही यहां से भोजन आ गया। व्यवहार चूहा कैसे कर रहा था, ऐच्छिक, और ऐच्छिक व्यवहार को ही तुरंत जो है क्या मिल गया, पुनर्बलन, तुरंत ही क्या मिला, पुनर्बलन मिला, तो धीरे धीरे जो ऐच्छिक व्यवहार जिसको हम करवाना चाह रहे थे, धीरे धीरे चूहे ने उसी व्यवहार को क्या कर लिया, सीख लिया। अब देखो, दोबारा से समझो इस चीज को भाई, शुरू में तो चूहे को पिंजरे में बंद किया, पिंजरे में बंद किया तो बच्चा जो है वो इधर उधर, वो जो चूहा है इधर उधर उछल कूद मचा रहा है, भूखा था, भोजन चाहिए था, पानी चाहिए था, अब अचानक से पांव लिवर पर पड़ा, भोजन मिल गया, चूहे ने भोजन किया, थोड़ी देर बाद चूहा फिर उछल कूद करने लगा, फिर अचानक से पांव लिवर पर पड़ा, फिर उसे भोजन मिल गया, फिर उछल कूद कर रहा है मर्जी से, मर्जी होती है तो उछलता कूदता है, और मर्जी नहीं होती तो पिंजरे में आराम से बैठता है। सेम बात थॉर्नडाइक की बिल्ली की भी थी, आपने थॉर्नडाइक की थ्योरी में पढ़ा है बहु प्रतिक्रिया, थॉर्नडाइक की थ्योरी में मैंने आपको बताया, थॉर्नडाइक भी तो यही कहते हैं कि बार बार क्रिया करनी जरूरी है, यदि बार बार क्रिया नहीं की जाएगी तो फिर पुरस्कार या वहां पर सीखना नहीं होगा। थॉर्नडाइक भी इसी बात, वहां भी ऐच्छिक व्यवहार हो रहा है,
और यहां भी बिहेवियर कैसा हो रहा है, ऐच्छिक। चूहा मर्जी से उछल कूद मचा रहा था और मर्जी से उछल कूद मचाते हुए लिवर पर पांव पड़ा, भोजन मिला। अब बार बार अचानक उसका पैर लिवर पर पड़ रहा है, बार बार अचानक पैर लिवर पर पड़ता है, जैसे ही लिवर पर पड़ता है यहां से भोजन मिल जाता है। धीरे धीरे चूहे को ये बात समझ आ गई कि भाई अगर मुझे भोजन पानी चाहिए तो मुझे यहां जाकर मुझे दबाना होगा और मुझे तुरंत भोजन मिल जाएगा। यानी शुरू में तो व्यवहार वो मर्जी से कर रहा था, लेकिन बाद में जो व्यवहार है वो भोजन के किस में करने लगा, लालच में, भोजन के निमित्त से करने लगा, भोजन की प्राप्ति के लिए करने लगा। भोजन उसके लिए किसका काम कर रहा था, पुनर्बलन का, क्योंकि भोजन उस चूहे को क्या दे रहा था, संतोष। अब चूहे ने ये सीख लिया कि यदि क्या कंफ्यूज किया चीकू, बताइएगा जल्दी से, बताइए मुझे आप जो प्रश्न कर रहे हैं चीकू, फटाफट से बताइए ना भाई। यहां की बात करें तो चूहे ने जो भी काम किया, चूहे ने किस व्यवहार के चलते कार्य किया था, ऐच्छिक के चलते, और ऐच्छिक व्यवहार को क्या दिया गया, पुनर्बलन दिया गया। तो बहुत जल्दी वही ऐच्छिक व्यवहार जो है चूहे का कैसा हो गया, स्थाई अधिगम वहां पर चूहे को हो गया। तो यहां ये जो इस तरह से इन्होंने बताया, इस आधार पर इन्होंने बताया मैम, उन्होंने खुद अनैच्छिक, चीकू पूछ रहे हैं कि उछल कूद, अच्छा उछल कूद, चीकू बताओ उछल कूद ऐच्छिक होगी अनैच्छिक, ऐच्छिक बिहेवियर है। चूहा मर्जी से उछलता कूदता है भाई चीकू, चूहे का अनैच्छिक बिहेवियर नहीं है उछल कूद करना। चूहा जब मर्जी होती है तभी कूदता है, नहीं तो पिंजरे में एक तरफ बैठ जाता है। कभी चूहे को पिंजरे में पकड़ के देखना, ठीक है, शुरू में जब पिंजरे में पकड़ोगे तो वहां पर अनैच्छिक नहीं होता भाई, ऐच्छिक होता है। शुरू में पिंजरे में अगर चूहे को आपने पकड़ा, आपने घर पे ट्राई करके देखिएगा, जैसे ही चूहा पिंजरे में पहुंचता है तो पिंजरे में पहुंचते ही चूहा बहुत जबरदस्त उछल कूद मचाता है। अब मान लीजिए आपने उस चूहे को पिंजरे में 2-4 घंटे के लिए रख दिया, आपको लगा कि भाई आज आप देखना चाहते हैं स्किनर का, स्किनर की थ्योरी देखना चाहते हैं, और आपने चूहे को पिंजरे में बंद करके 2-4 घंटे के लिए रख दिया, तो देखना थोड़ी देर बाद चूहा शांत होकर एक तरफ बैठ जाता है। जब तक आप उस पिंजरे को हिलाते नहीं है ना, वो उछल कूद नहीं करता, वो एक तरफ बैठ जाता है, क्योंकि चूहे को समझ आ जाता है कि बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है। समझ आई सती, चूहा मर्जी से करता है भाई, मैंने पहले भी यही बात बताई चीकू। चूहे का ऐच्छिक बिहेवियर है उछलना कूदना, अनैच्छिक बिहेवियर नहीं है, ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे। तो चूहा जो है उसने भाई मर्जी से उछल कूद की। अब उसे एक बार उछल कूद इस तरह की हुई कि भाई उसे भोजन मिल गया, तो उसे क्या मिल रहा है, संतोष, भाई फीडबैक मिल रहा है ना, उसे भोजन मिल रहा है। अब भोजन मिल गया, दोबारा भोजन चाहिए था, तो उसे ये तो समझ आया कि भाई कहीं तो मेरा पांव पड़ा था जब मुझे भोजन मिला था, लेकिन अभी पता नहीं कहाँ पांव पड़ा, फिर उछल कूद कर रहा है, फिर पांव पड़ा, फिर भोजन मिल गया। अब धीरे धीरे चूहे को समझ आने लगा कि भाई मुझे कहाँ पांव मारना है, कहाँ दबाना है, कहाँ प्रेस करना है। तो पहले जो व्यवहार बिना किसी रीजन से हो रहा था, पहले चूहे को पता नहीं था मुझे क्या मिलने वाला है, बिना किसी कारण के हो रहा था, अब वो व्यवहार कारण से होने लगा, भोजन प्राप्ति के निमित्त से होने लगा। इसीलिए इसे क्या कहा गया, क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहा गया। तो यहां जो ये है, लाइन पर किसी ने प्रयोग नहीं किया मोहम्मद आजिम, लाइन पर किसी ने प्रयोग नहीं किया। चूहा बहुत आसान है पकड़ना, और चूहे पर आज भी बहुत प्रयोग होते हैं। अभी जो आपका जो वैक्सीन लगी है ना, तो वैक्सीन के लिए भी पहले पहले जो है चूहे पर प्रयोग किए जाए गए हैं, और बहुत से जानवरों पर प्रयोग किए गए हैं। हम तक तो वैक्सीन तब पहुंची है, तो भाई शेर पर प्रयोग करना तो अपने आप में ही बहुत अलग है बच्चों।
अब इन्होंने एक प्रयोग किया कबूतर पर, चूहे का प्रयोग तो आपने देखा ही है। देखो कबूतर पर क्या प्रयोग किया गया, इस तरह का ये पिंजरा बनाया गया, और पिंजरा जो था वो इस तरह का था कि पिंजरे में क्या था, अंधेरा था, पिंजरे में अंधेरा था। और वहां स्किनर ने दो बल्ब लगा रखे थे, एक रेड बल्ब और एक ग्रीन बल्ब। ठीक है, अब क्या था कि पिंजरे में जो कबूतर को बंद किया, अंधेरा कमरा था, अंधेरा पिंजरा था, कबूतर जो था, कबूतर ने उछल कूद तो नहीं मचाई, लेकिन कबूतर फड़फड़ाने लगा। फड़फड़ाते फड़फड़ाते अचानक जो है, दोनों लाइटें जल रही हैं, अचानक जो है, अभी दोनों लाइटें बंद हैं, ठीक है, अंधेरा पिंजरा था और कबूतर जो था वो पिंजरे में मौजूद था। यहां पर बात करें तो कबूतर जो है वो फड़फड़ा रहा था। अब इसी दौरान स्किनर ने क्या किया, रेड लाइट जलाई। अब जैसे ही रोशनी दिखी अंधेरे कमरे में, तो कबूतर ने रेड लाइट पर चोंच मारी, चोंच मारी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। थोड़ी देर बाद स्किनर ने हरी लाइट जलाई। जब हरी लाइट जलाई तो इस कबूतर ने जैसे ही हरी लाइट पर चोंच मारी, यहां ये जो हरी लाइट थी, ये इस की के दबने से हरी लाइट जली, यहाँ की के दबने से जैसे ही हरी लाइट जली, यहां तुरंत उसे क्या मिल गया, भोजन मिल गया। तो यहां देखना कि ये जो कबूतर है, कबूतर ने पहले जब की को प्रेस किया तो स्किनर ने लाल लाइट जलाई, लाल लाइट जलते ही कबूतर ने चोंच मारी लेकिन कुछ भी नहीं मिला, लेकिन जैसे ही की दबी, हरी लाइट, हरा प्रकाश पिंजरे में आया और तुरंत कबूतर को यहां पर क्या मिल गया, भोजन मिल गया। धीरे धीरे कबूतर ने समझ लिया कि लाल प्रकाश से कुछ नहीं मिलता, रेड कलर की रोशनी से तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब हरी रोशनी होती है तो हरी रोशनी आते ही कबूतर को यहां पर भोजन मिल जाता था। हरी रोशनी आते ही कबूतर को भोजन मिल रहा है, तो धीरे धीरे कबूतर ने समझ लिया कि मुझे केवल हरी रोशनी के लिए ही इस की को प्रेस करना है। स्थिति ये थी कि धीरे धीरे स्किनर ने ये जो दोनों लाइटें थी इनको जलता छोड़ दिया। अब कबूतर ने व्यवहार, हाँ बिल्कुल अंशिका आप सही कह, नहीं अंशिका आप सही नहीं बोल रही, चूहे ने हर बार ऐच्छिक व्यवहार किया, दोबारा अनैच्छिक नहीं किया। भाई आप कबूतर की बात कर लीजिए या चूहे की, कबूतर का भी देखो, दो लाइटें लगा रखी हैं, जब की प्रेस करता है तो लाल लाइट जलती है, कुछ नहीं मिलता, दोबारा की प्रेस होती है, हरी लाइट जलते ही भोजन मिलता है। अब कबूतर को ये समझ आ गया, दोनों लाइटें जल रही हैं, कि हरी पर चोंच मारकर की प्रेस करूंगा तो मुझे भोजन मिल जाएगा। तो यहां कबूतर ने ऐसा ही किया, हरी लाइट पर चोंच मारी, दोनों लाइटें जल रही हैं, अब हरी लाइट पर चोंच मारकर तुरंत की को प्रेस किया तो वहां उसे तुरंत किसकी प्राप्ति हो गई, भोजन की प्राप्ति। यहां दोनों दोनों ही प्रयोगों में आप देख रहे हैं, बिहेवियर जो हो रहा है वो मर्जी से हो रहा है, बिहेवियर इच्छा से हो रहा है। चूहे ने भी देखो, भाई मैं फिर कहूंगी, चूहा अनैच्छिक व्यवहार नहीं कर रहा, आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं। चूहे ने मान लीजिए कि पहली बार उसे अचानक भोजन मिल गया, उसे पता नहीं था कहां से मिला, लेकिन धीरे धीरे जब चूहे ने सीखा, चूहा आराम से पिंजरे में रहता, जब भूख लगती वहां जाता, उसको प्रेस करता, भोजन ले लेता। यही हाल कबूतर का था, कबूतर आराम से रहता और जब उसे भोजन चाहिए होता, वो हरी लाइट पर जलती हुई रोशनी पर चोंच मारता और फिर उसके बाद की को प्रेस करता तो तुरंत उसे क्या मिल जाता, भोजन मिल जाता। तो यहां चाहे कबूतर है चाहे चूहा है, अच्छा नेहा कह रही पहले कबूतर वाला नहीं बताया, तो नेहा कई बार टाइम की भी दिक्कत होती है ना। भाई साइको प्लस पेडागोजी, अब
अब यहां दोनों ही स्थितियों में आप देख रहे हैं भाई, इन्होंने पिंजरे में कई जगह चोंच मारी होगी, कबूतर ने पिंजरे में यहां भी चोंच मारी होगी, यहां भी चोंच मारी होगी, इधर भी चोंच मारी होगी, इधर मारी होगी, इधर मारी होगी, सब जगह चोंच मारी होगी। लेकिन कबूतर को समझ आ गया कि अगर मैं यहां चोंच मारूंगा लाइट पर और फिर यहां चोंच मारूंगा तभी मुझे भोजन मिलेगा, नहीं तो पिंजरे में किसी जगह चोंच मार लूं मुझे भोजन नहीं मिलने वाला। तो यहां जो कबूतर ने अपने बहुत सारे ऐच्छिक व्यवहारों के बीच एक ऐच्छिक व्यवहार को समझा, वो किस कारण से समझा? जिस व्यवहार को क्या मिला? पुनर्बलन। स्किनर ने यही कहा, बहुत सारे ऐच्छिक व्यवहारों में से हम जिस ऐच्छिक व्यवहार को पुनर्बलन देंगे बच्चा उसी व्यवहार को सीखेगा, और जिस व्यवहार को नकारात्मक पुनर्बलन देंगे बच्चा उस व्यवहार को भी अपनाना छोड़ देगा। तो यहीं से पुनर्बलन की पूरी थ्योरी सामने आई थी। कबूतर की क्रियाएं भी ऐच्छिक हैं। स्किनर की पूरी थ्योरी यहीं से सामने आई कि भाई प्राणी हर तरह की ऐच्छिक क्रिया करेगा। कबूतर जगह जगह चोंच मार रहा है, लेकिन एक निश्चित स्थान पर चोंच मारने पर अगर हम उसे पॉजिटिव पुनर्बलन दे रहे हैं तो कबूतर वही चोंच मारना सीख जाएगा। वही संगीता, आप एक काम कीजिएगा, अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ी हैं तो आप मुझे एक बार मैसेज कीजिएगा कि DSSB में आप मुझसे क्या पढ़ना चाह रही हैं, तो आप मुझे एक बार वो टॉपिक बताइएगा कि क्या जानना चाह रही हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? तो संगीता मुझे बहुत बार कह चुकी हैं DSSB की तैयारी करवाने के लिए, तो संगीता आप जरूर मुझे बताएंगी, ठीक है? उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। आप देखिएगा, ये जो कबूतर का कार्य था, कबूतर का जो बिहेवियर था, या मैं कहूं ये जो चूहे का बिहेवियर था, ऐसा थोड़ी था कि पहली बार में यहां पांव मारा, यहां भी पांव मारा होगा, यहां मारा होगा, यहां मारा होगा, इधर पांव मारा होगा, सब जगह पांव मारा होगा। लेकिन एक निश्चित स्थान पर पांव मारने से उसे क्या मिल गया? पुनर्बलन मिल गया। तो वही क्रिया जो है वो कैसी हो गई? स्थायी हो गई। तो ध्यान रखिएगा, स्किनर की थ्योरी में क्रिया जो है वो स्थायी कब हो रही है? बहुत सी ऐच्छिक क्रियाएं जो है उनमें से जिस ऐच्छिक क्रिया को पुनर्बलन मिलता है वही क्रिया जो होती है वो कैसी होती है? स्थायी। इसीलिए स्किनर की थ्योरी जो है उसे कहूं कि एक तरह से इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी भी कही जाती है। हालांकि अगर हम कहें अच्छा, संगीता आप कह रही हैं अच्छा साइको नहीं आएगी, पार्ट ए सेम होगा सब्जेक्ट वाला, वही इंग्लिश हिंदी मैथमेटिक्स रीजनिंग और जीके, और सेकंड पार्ट मैथमेटिक्स ही है, तो भाई वहां पर पेडागॉजी होगी, है ना संगीता? पेडागॉजी जरूर होगी, तो भाई इवनिंग में मैं पेडागॉजी की क्लास स्टार्ट करने वाली है ना, तो बिल्कुल अगर आपको और कुछ लगे तो आप मुझे एक बार टेलीग्राम पे कमेंट कीजिएगा, तो वहां हम देखते हैं, ठीक है? नहीं नेहा, नहीं, स्किनर की थ्योरी में हर क्रिया अच्छी की होती है। भाई आप खुद सोच के देखिएगा ना, कबूतर का फड़फड़ाना उड़ना अनैच्छिक थोड़ी है। अनैच्छिक क्रिया वो जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। कबूतर तो नीचे आराम से बैठता है, जब मर्जी होती है उड़ता है, आसमान में जाता है, फिर वापिस आकर बैठ जाता है। तो यहां ये ध्यान रखिएगा, यहां ध्यान रखिएगा, स्किनर की थ्योरी पूरी तरीके से ऐच्छिक बिहेवियर पर आधारित होती है। नहीं, स्टार्टिंग में भी ऐच्छिक होती है और बाद में भी वो ऐच्छिक ही रहती है, मर्जी से ऐच्छिक ही होती है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल, पूरी थ्योरी जो है वो ऐच्छिक बिहेवियर से जुड़ती है, ऐच्छिक व्यवहारों से जुड़ती है। तो पहले ऐच्छिक व्यवहार अलग अलग तरह का था, जिस व्यवहार को पुनर्बलन मिल गया वो व्यवहार जो है वो कैसा हो गया? स्थायी हो गया। भाई पहले मुझे ये बताओ, समझ आ गया? चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्किनर और थॉर्नडाइक में अंतर क्या है?
देखो स्किनर और थॉर्नडाइक की अगर थ्योरी की बात करूं तो थॉर्नडाइक ने जो इम्पोर्टेंट माना था वो उद्दीपन को माना था। उन्होंने ऐच्छिक क्रिया जो है उसे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी थी, लेकिन स्किनर ने कहा पहले क्रिया होती है फिर आपको उद्दीपन मिलता है, और स्किनर ने जो भोजन है उसे उद्दीपन के तौर पर स्वीकार किया। अब अगर थॉर्नडाइक की बात करूं तो थॉर्नडाइक भोजन पहले सामने रख रहे हैं। स्किनर की थ्योरी में एक चीज ध्यान रखना, दोनों में अगर आप अंतर पूछ रहे हैं तो स्किनर के सिद्धांत में उद्दीपक जो है वो अज्ञात होता है, उद्दीपक जो है वो अज्ञात है, पता नहीं है, ब्लाइंड है, जबकि थॉर्नडाइक की थ्योरी में, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, थॉर्नडाइक की थ्योरी में जो उद्दीपक है, थॉर्नडाइक की थ्योरी में जो उद्दीपक होगा, उद्दीपक कैसा होता है, ज्ञात होता है। ये डिफरेंस है दोनों के बीच, ये दोनों के बीच आपको अंतर ध्यान रखना है, ठीक है। स्किनर की थ्योरी में तो उद्दीपक अज्ञात है, यानी कि चूहा ऐच्छिक क्रिया कर तो रहा है लेकिन उसे पता नहीं है क्या होगा, जबकि थॉर्नडाइक की बिल्ली क्रियाएं कर रही है क्योंकि उसे पता है कि बाहर निकलूंगी तो भोजन मिलेगा। बिल्कुल संगीता, आपने सही लिखा, थॉर्नडाइक ने फूड को दिखाया था जबकि स्किनर ने फूड को दिखाया नहीं था। ये डिफरेंस है दोनों के बीच, ये दोनों के बीच अंतर है, ये ध्यान रखिएगा। तो स्किनर क्या कहना चाहते हैं कि भाई पता नहीं है क्या होगा, पता नहीं है, पता नहीं है क्या होगा, और उसके बाद अगर हम कहें कि भाई क्या होने वाला है या हमें इस काम के बदले क्या मिलने वाला है, और वहां पर प्राणी को अगर कुछ मिल जाए तो प्राणी उस व्यवहार को जल्दी दोहराएगा। जैसे कि मान लीजिए छोटा बच्चा ABCD लिखना सीखता है, अब हर बार एक बच्चा B जो अक्षर है इसे उल्टा बनाकर लाता है, ठीक है। अब इस बार जो बच्चा है उसने थोड़ा सा ध्यान दिया, और ध्यान देकर इस बार बच्चे ने, मैम हर बार इस B को सर्किल करती है क्योंकि बच्चा उल्टा B बनाता है, मैम गोला लगा देती है रेड कलर का। इस बार बच्चा काम करने लगा तो बच्चे ने थोड़ा सा ध्यान दिया, और ध्यान देते हुए बच्चे ने सीधा B बनाया। अब जब बच्चे ने सीधा B बनाया, टीचर ने जैसे ही उसका काम देखा, टीचर ने तुरंत बच्चे की कॉपी में स्माइली बना दी। अब यहां जो बिहेवियर उसने किया, मर्जी से किया, इच्छा से किया, और टीचर ने उसके लिए स्माइली दे दी, तो बच्चा जो है, बच्चा दोबारा उस व्यवहार को दोहराएगा। संगीता, अच्छा भारत अपने आप पूछ रहे हैं, थॉर्नडाइक की थ्योरी SR कही जाती है, बिल्कुल सही कहा, और स्किनर की थ्योरी जो है वो कही जाती है RS, और थॉर्नडाइक की कही जाती है SR, प्रवर्तयात्मक उद्दीपन। और भाई कृष्णदास, ये बहुत पावलोव की थ्योरी में मैंने आपको जितना कुछ बताया उससे भी आगे बहुत कुछ है। तो भाई बच्चों, जितना एग्जाम ओरिएंटेड जो बात है मैंने वो आपको सब बताई, इसीलिए नहीं बताया। अच्छा ठीक है, आप अपनी बात कर रहे हैं ना कि भारती से, और पूछताछ आप लोग कर रहे हैं संगीता से DSSB के बारे में। हाँ बिल्कुल, थॉर्नडाइक SR है और स्किनर क्या है, RS है। अब देखो बच्चा जो है वो दोबारा बताइएगा, दोबारा बढ़िया सही ABCD लिखकर लाएगा या नहीं लिखकर लाएगा, लाएगा, क्योंकि सही लिखने के बाद उसे क्या मिल रहा है, स्माइली मिल रही है। तो यहाँ की, हाँ, थॉर्नडाइक के सिद्धांत में भी अनैच्छिक नहीं ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं। भाई बिल्ली का उछल कूद मचाना, बिल्ली का पिंजरा खोलने की, पिंजरा से बाहर निकलने का प्रयास, बिल्ली का पिंजरा जो है उसकी तरफ उसमें इधर उधर घूमना इत्यादि, वो भी ऐच्छिक है। केवल पावलोव की थ्योरी जो है उसमें अनैच्छिक क्रिया है, पावलोव की जो थ्योरी है उसमें अनैच्छिक क्रिया है, बाकी जो दोनों की थ्योरी है उसमें क्रिया जो होती है वो कैसी है, वो ऐच्छिक क्रिया होगी। तो उम्मीद है भाई आपको ये बातें समझ आई होंगी, दोनों में डिफरेंस।
माँ ने पहले, हाँ 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 बिल्कुल, अगर हम कहें कि भाई बच्चे ने अच्छा काम किया और माँ ने शाबाशी दे दी, तो बच्चा उस काम को रिपीट करने का प्रयास करेगा। तो जिस काम के बदले हमें पॉजिटिव पुनर्बलन मिल जाता है, हम उस काम को रिपीट करने का बार बार क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। अब जब स्किनर ने अपनी थ्योरी दी, तो इन्होंने बहुत सारे अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया, और इन शब्दों के आधार पर ही इनकी थ्योरी को पढ़ा जाता है। सबसे पहले जो बात की इन्होंने, वो किसकी की थी, पुनर्बलन। एक व्यवहार को बार बार करवाने के लिए दिया जाता है, इससे किसी व्यवहार के पुनः होने की संभावना बढ़ती है। और पुनर्बलन कितने तरह का होता है, दो तरह का, सकारात्मक पुनर्बलन और दूसरा कौन सा है, नकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक पुनर्बलन जो है, वातावरण में एक अच्छा उद्दीपक जोड़ देना, पुनर्बलन नहीं, एक अच्छा उद्दीपक जोड़ देना, तो क्या है सकारात्मक पुनर्बलन। और वातावरण में से किसी एक उद्दीपक को हटाना, जिससे प्राणी क्या करता है, बचना चाहता है। तो यहां पर भी हटाना नहीं, वातावरण में एक बुरा चीज जो है, उसको अगर हम कहें कि असंतोष जो उद्दीपक जो देता है, उसको, उससे बचने के लिए हम जो काम करते हैं, वो कैसा उद्दीपक होता है, नकारात्मक। अच्छा, इलिसिटीड और एमिटीड, बिल्कुल, इलिसिटीड और एमिटीड जो शब्द हैं, ये दोनों ही शब्द देने वाले कौन है, स्किनर। एक्चुअल में स्किनर ने अपनी थ्योरी में इन दोनों शब्दों का ही प्रयोग किया है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब एक चीज देखिएगा कि भाई पुनर्बलन की अगर मैं बात करूं, तो देखो पुनर्बलन क्या होता है, जब किसी काम को आप करें तो वहां आपको कुछ अच्छा मिल जाए, तो आप उस काम को दोहराने का प्रयास करेंगे। और जहां किसी काम को करने के बदले में, हटाया नहीं, यहां पर ये जो स्थिति है ये ध्यान रखना, किसी एक उद्दीपक को जोड़ना जिससे प्राणी बचना चाहता है, केवल यहां पर ये जो है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है इसको, हाँ, जिससे प्राणी बचना चाहता है, ये नहीं आएगा ना, ठीक है, यहाँ ये है, वातावरण में किसी एक उद्दीपक को जोड़ना जिससे प्राणी क्या करना चाहता है, बचना चाहता है। तो सकारात्मक में तो वो उद्दीपक जोड़ते हैं जो हम चाहते हैं, और नकारात्मक में वो उद्दीपक जोड़ा जाता है जिससे हम बचना चाहते हैं। एक बार दोनों को समझो, समझ लिया तो बहुत अच्छे तरह से आप जो है इन चीजों के आधार पर आंसर दे पाएंगे। देखो, बच्चे ने क्लास में कुछ अच्छा काम किया, क्लास में अच्छा काम किया, और टीचर ने बच्चे को पास बुलाया और बच्चे की पीठ थपथपाई, भाई वेरी गुड, शाबाश, तुमने बहुत अच्छा किया। यहां टीचर ने बच्चे की पीठ थपथपाई, यानी उसके बिहेवियर में कुछ चीज जोड़ी, लेकिन जो चीज जोड़ी वो चीज कैसी थी, पॉजिटिव, तो बच्चा बार बार उसे लेना चाहेगा। लेकिन एक दूसरी कंडीशन में बच्चा क्लास में शैतानी कर रहा है, और शैतानी करते हुए टीचर ने बच्चे को देख लिया, और बच्चा जो है टीचर ने बच्चे को अपने पास बुलाया, और पास बुलाकर टीचर ने क्या किया, बच्चे ने जितना होमवर्क किया था, उस पूरे होमवर्क को टीचर ने जो है उस पूरे होमवर्क को लिख दिया, पूरा जो उस बच्चे ने काम किया था क्लास वर्क, क्योंकि शैतानी कर रहा था, तो वहां टीचर ने लिख दिया रिपीट। अब जैसे ही टीचर ने लिखा, तो बताओ रिपीट, टीचर ने उसके बिहेवियर में जोड़ा ये शब्द, लेकिन बच्चा इस रिपीट शब्द को चाहता था या नहीं चाहता था, बच्चा इससे क्या करना चाहता था, बचना चाहता था। तो नेगेटिव पुनर्बलन वो पुनर्बलन होता है, नेगेटिव पुनर्बलन वो होता है जो हम कभी भी चाहते नहीं है, हम उससे बचना चाहते हैं। तो बचना, बचने का प्रयास करने के लिए हम अपने बिहेवियर में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया कि एक बच्चा क्लास में लेट आया। अब क्लास में लेट आया, तो लेट आने पर टीचर ने उस बच्चे के लिए क्लास में क्लैपिंग करवा दी। अब क्लैपिंग करवा दी, अगले दिन वो बच्चा जो है, जो क्लास में जो आया जिसके लिए क्लैपिंग हो गई, नेक्स्ट डे जो वो बच्चा है
अब वो क्लास में बिल्कुल टाइम पर आया, क्योंकि वो अपने लिए उस क्लैपिंग से क्या करना चाहता है, बचना चाहता है। सकारात्मक उद्दीपक वो उद्दीपक होता है जिसे हम बार बार लेना चाहते हैं, और नकारात्मक पुनर्बलन वो स्थिति है जिसे हम बार बार बचना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ममता, आप सही कह रही हैं। टीचर का कॉपी में रेड गोला बना देना नकारात्मक पुनर्बलन है, स्माइली बना देना सकारात्मक है। एक चीज और ध्यान रखना, स्किनर ने नकारात्मक पुनर्बलन और जो दंड है, दंड में अंतर किया है। तो दंड में अंतर करना अपने आप में ही कैसा पुनर्बलन है, दंड और नकारात्मक पुनर्बलन एक नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। दंड में क्या होता है, हम किसी कहूं दंड में एक अलग तरह का भाव क्रिएट होता है। तो स्किनर कहते हैं, हाँ सोनू आपने अच्छा एग्जाम्पल दिया, सर्दी लगने पर स्वेटर पहन लेना। सर्दी लग रही है तो हमें अच्छा थोड़ी लगेगा, हम सर्दी से क्या करना चाहते हैं, बचना चाहते हैं। और बचने के लिए हम जो अपने आप में चेंज करते हैं वो हमारा पुनर्बलन होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर कहें कि जैसे कि मान लीजिए अलार्म क्लॉक क्वेश्चन पूछा गया है, अलार्म क्लॉक का बजना और तुरंत आपका उसे बंद कर देना। अलार्म क्लॉक हमारे वातावरण में, हम शांति से सो रहे हैं और अचानक से अलार्म क्लॉक बजा, जैसे ही अलार्म क्लॉक बजा, ये पुनर्बलन का सिद्धांत ये नहीं है सुभाष सौरभ, पुनर्बलन की थ्योरी अलग है, वो हल ने दी है। हाँ बिल्कुल, अब अलार्म क्लॉक बजते ही हम तुरंत उसको बंद करते हैं, क्योंकि हम उसकी आवाज से बचना चाहते हैं। पुलिस को देखकर साइड हो जाना, हम पुलिस वालों से बचना चाहते हैं। तो व्यवहार में से उन चीजों को हटाना जिनको हम नहीं चाहते, या व्यवहार में उन चीजों को चेंज करना जिनसे हम बचना चाहते हैं, वो कैसा पुनर्बलन होगा, नकारात्मक पुनर्बलन होगा। तो ध्यान रखिएगा, जहां भी नकारात्मक पुनर्बलन से जुड़ा क्वेश्चन आएगा वहां आप उनसे बचने का प्रयास करेंगे। टीचर की डांट से बचना, टीचर के द्वारा दिए जाने वाले किसी भाई ताली बजाना एक अच्छा है, ताली बजाना एक अच्छी बात है, लेकिन एक इस कंडीशन में ताली बजाई जाए तो वहां बच्चा उससे बचना चाहेगा। तो इस आधार पर, ठीक है, इस आधार पर स्किनर ने व्यवहार में पुनर्बलन को दो तरह से स्वीकार किया, पहला सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। अगली स्थिति में इन्होंने क्या दी थी, पुनर्बलन की अनुसूची दी थी। पुनर्बलन की अनुसूची जो है, जिसे पुनर्बलन शेड्यूल कहा जाता है, और पुनर्बलन जो शेड्यूल है, ये बिल्कुल आपको ये ध्यान रखना होगा, पुनर्बलन की जो अनुसूची है, रोज बंद करके वापस सो जाती हैं। अच्छा बस केवल अनीता है देखने आती है कि मैम की क्लास हो रही है कि नहीं हो रही है ना। अच्छा बाद में, मैं यही बोल रही हूँ बच्चों कि आप लोग एक बार नहीं, वीडियोस को कई बार देखी है ना, तो क्या है, कोई भी चीज आपको दिक्कत जहां आएगी तो भाई आप कई बार देखिएगा वीडियोस को, और मैं तो ये कहूंगी कि एग्जाम आने तक 2+ पर देखिएगा, 2x स्पीड जो हो जाती है आपकी, फटाफट से चीजें एक बार रिपीट कर लीजिएगा सारी चीजों को, ताकि आपको माइंड में सब चीजें क्लियर रहें कि कौन सी बात क्या है ना। तो बिल्कुल इसी आधार पर हम करेंगे, और अगर कहूं तो बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली किसी तरह की। आप देखो, पुनर्बलन अनुसूची जो है उसका क्या तात्पर्य होता है। पुनर्बलन अनुसूची कहते हैं पुनर्बलन को देने का तरीका, कि पुनर्बलन किस तरह से दिया जाता है। यहां देखिएगा, ये लिखा है पुनर्बलन देने का तरीका। पुनर्बलन देने का जो तरीका है, इसे क्या कहा जाता है, पुनर्बलन की अनुसूची कहा जाता है। पुनर्बलन की जो अनुसूची है, अच्छा बिल्कुल, हाँ सभी को नमस्ते। एक दिन सभी क्लासेस बंद करके अधिगम का सिद्धांत,
हाँ, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं ना, लर्निंग की जो थ्योरीज हैं आप बिल्कुल पूरी एक बार अच्छे से देखिएगा, क्योंकि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएंगी है ना। और लर्निंग की जो ये थ्योरी है ये अपने आप में ही अलग है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जरूर आप देख सकते हैं इस आधार पर है ना। तो चीजें जो है वो बिल्कुल भाई, रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको रात को कराने की बात कर रही है ना, कि भाई मैं आपको रात को क्वेश्चंस कराऊंगी बिल्कुल, और हम उन क्वेश्चंस को करने वाले हैं। प्रैक्टिस होती है, और आज भी मैंने यही कहा कि भाई मैं आपको जो है हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे टीचिंग मेथड्स की, और कुछ प्रैक्टिस करवाऊंगी कल वाला, कल जो मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया था, कल मैंने आपको जो है लर्निंग आउटकम पढ़ाया था, तो उसके कुछ प्रश्न आपके लिए लेकर आऊंगी। तो भाई स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ है वो काफी कम हो गई है ना, बहुत कम हो चुकी है, तो भाई ऐसा किस कारण से? अच्छा ठीक है, चलिए आप देखिएगा। पुनर्बलन देने का तरीका जो है वो क्या कहलाता है? पुनर्बलन सूची। स्किनर ने कहा कि भाई हमें ये तो पता लग गया कि पुनर्बलन दो तरह का देना है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब पॉजिटिव या नेगेटिव हम देंगे हमने तय कर लिया, तो या तो हम किस आधार पर देंगे? सतत आधार पर, या किस आधार पर देंगे? आंशिक आधार पर। तो सतत या आंशिक की बात करूं तो सतत या आंशिक में, सतत की अगर मैं बात करूं तो स्किनर ने कहा सतत पुनर्बलन देने का तरीका या सतत सूची जो होती है इसमें पुनर्बलन कैसे दिया जाता है? लगातार। और यहां आंशिक की बात करें तो आंशिक में पुनर्बलन जो है वो कभी कभी दिया जाता है, रोज नहीं दिया जाता। आंशिक में पुनर्बलन क्या मिलता है? कभी कभी। स्किनर के अकॉर्डिंग कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो ये ध्यान रखिएगा, पुनर्बलन जो है, पुनर्बलन कौन सा अच्छा होता है? तो पुनर्बलन हमेशा कौन सा अच्छा होता है? आंशिक। स्किनर ने सतत पुनर्बलन को अच्छा नहीं माना। भाई यहां एक बहुत सिंपल बात बताऊं, आप सबके यहां, आप सब ऐसा नहीं है कि भाई माँ की बिना डांट या मार के आप यहां तक आ गए। माँ जब रोज रोज मारती है, हर चीज के लिए माँ का थप्पड़ लग जाता है, तो घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना भाई रोज रोज मत मारो नहीं तो ढीठ हो जाएगा। क्योंकि अगर रोज रोज आपको कुछ भी पुनर्बलन मिलेगा तो ध्यान रखिएगा पुनर्बलन का जो प्रभाव है वो अपने आप में क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन माँ का थप्पड़ रोज ना पड़े, किसी एक दिन पड़े तो आपको हमेशा याद रहेगा अच्छा मुझे ये काम नहीं करना। माँ के थप्पड़ से डर नहीं लगता, माँ के थप्पड़ से बच्चा डरता नहीं है, लेकिन पिताजी के थप्पड़ से डरता है। और पिताजी के थप्पड़ से क्यों डरता है? क्योंकि वो कभी कभी मारते हैं, लेकिन मारते हैं तो बढ़िया मारते हैं। माँ रोज मारती है, हमारे लिए माँ की मार का जो प्रभाव है, महत्व है, वो खत्म हो जाता है। यही बात स्किनर ने कही। स्किनर ने कहा यदि आप रोज रोज पुनर्बलन देंगे प्रतिदिन, चाहे अच्छा चाहे बुरा, तो आपके पुनर्बलन का प्रभाव खत्म हो जाएगा। रोज टॉफी दे दो, रोज चॉकलेट दे दो। हाँ बिल्कुल, कदे कदे पहन ते बढ़िया अच्छी पहन दी है। सही सही, सतत। हाँ अब जहां पर आदत छुड़ानी हो, माँ क्यों रोज रोज मारती है? क्योंकि माँ को हम में क्या करना होता है? आदत निर्माण करना होता है। आदत बनाने के लिए हमें रोज रोज पुनर्बलन मिलता है, अच्छी आदत बनाने के लिए और बुरी आदत छुड़ाने के लिए। बच्चा नाखून खाता है और माँ ने आज बच्चे को थप्पड़ यहां लगाया, खबरदार जो नाखून खाए। और अब माँ को पता है कि नहीं आंशिक अच्छा होता है पुनर्बलन, अब 6 महीने बाद माँ दोबारा कह रही है नाखून मत खाओ, तो कभी भी नाखून खाने की आदत नहीं छूटेगी। बच्चा नाखून खाता है, इस गंदी आदत को छुड़ाने के लिए आपको लगातार पुनर्बलन देना होता है, बार बार टोकना होता है। लेकिन एक नॉर्मल कंडीशन में, सामान्य स्थिति में देखो, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, और प्रश्न क्या बन सकता है? सामान्य परिस्थिति में बालक को कौन सा पुनर्बलन दिया जाना चाहिए? तो सामान्य परिस्थिति में बालक को कौन सा पुनर्बलन दिया जाना चाहिए? आंशिक। दूसरी बात,
बालक में सुधार लाने के लिए, आदत निर्माण के लिए कौन सा देना चाहिए? तो आदत में बदलाव के लिए कौन सा देना चाहिए? सतत। तीसरा, मंद बुद्धि बालकों को या स्लो लर्नर्स को या छोटे बच्चों को सिखाने के लिए कौन सा अच्छा होता है? जल्दी से उत्तर दो। छोटे बच्चों को सिखाने के लिए कौन सा अच्छा होगा? फटाफट बताओ। मंद बुद्धि बालक हो, छोटे बच्चे हो, स्लो लर्नर्स हो, तो कौन सा अच्छा होगा? आंशिक, सतत, सतत, सतत। काफी बच्चे सतत लिख रहे हैं। ध्यान रखना, बिल्कुल सही कहा, सतत होगा। भाई बच्चा जो मंद बुद्धि है, हमें बार बार एक ही चीज, एक ही काम कराना होगा। ये जो आंशिक की बात करूं, ये सामान्य परिस्थिति में प्रभावी होता है, नॉर्मल कंडीशंस में प्रभावी होता है। तो नॉर्मल कंडीशंस में कौन सा पुनर्बलन प्रभावी होता है? नॉर्मल कंडीशंस में सतत पुनर्बलन प्रभावी होता है, सॉरी आंशिक। लेकिन जहां पर स्थितियां जो चेंज हो जाती हैं, जहां हमें छोटे बच्चे को सिखाना होता है, आप देखिएगा छोटे बच्चे की कॉपी में टीचर रोज स्माइली बनाकर देती है, रोज वेरी गुड लिखती है, रोज टीचर उसमें कुछ ना कुछ बढ़िया कुछ इमोजी बना देती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बढ़ने लगता है, वैसे वैसे टीचर रोज वेरी गुड नहीं लिखती कॉपी में, वैसे वैसे अब गुड की संख्या कम होने लगती है। लेकिन छोटे बच्चे जब होते हैं तो रोज प्रतिदिन उसमें लिखा जाता है गुड, वेरी गुड, रोज लिखा जाता है, क्योंकि हमें उनको सिखाना है। तो जहां पर छोटे बच्चों को सिखाना है या आदतें बनानी है, वहां कौन सा अच्छा होगा? सतत अच्छा होगा। क्लियर है? अब देखिएगा, आंशिक पुनर्बलन के भी स्किनर ने दो भाग किए। पहले तरह का अनुपात आंशिक और दूसरे तरह का जो है वो क्या कहलाता है? अंतराल आंशिक। अनुपात आंशिक जो है या अंतराल आंशिक जो है, एक सेकेंड रुको, अनुपात आंशिक पुनर्बलन और अंतराल आंशिक पुनर्बलन, ये अपने आप में ही दो अलग तरह के पुनर्बलन है। अनुपात रेशो और अंतराल इंटरवल, यहां अगर मैं बात करूं तो देखिएगा रेशो जो है यहां, ये पूरी तरीके से जो है, ये आपका जो अनुपात आंशिक है, इसमें अनुक्रिया महत्वपूर्ण होती है। और यहां पर क्या इंपॉर्टेंट होता है? यहां टाइम इंपॉर्टेंट होता है, यहां अनुक्रिया महत्वपूर्ण होती है। हाँ, अनुपात और अंतराल, बिल्कुल भाई, यहां तक की बात तो आपको समझ आ गई होगी, है ना? यहां तक की बात, अंतराल में सेकंड टाइप में परिवर्तित, हाँ वेरिएबल, बिल्कुल फिक्स्ड होता है और वेरिएबल होता है। सही लिखा आपने, हाँ बिल्कुल। मैंने आपको पहले भी ये जो चीजें हैं, मैंने आपको पहले भी काफी डिटेल से बता रखी है ना, और हमने इनको बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है कि किस सूची में किस तरह से कार्य होता है। तो यहां देखिएगा, अनुपात आंशिक में अनुक्रिया महत्वपूर्ण होती है। यहां पर अनुक्रिया के आधार पर पुनर्बलन दिया जाता है। अनुपात आंशिक को भी दो भागों में बांटते हैं। यहां पर निश्चित अनुपात है और परिवर्त्य, यहां पर आप इसको इंग्लिश में याद रखना, फिक्स्ड रेशो है और वेरिएबल रेशो है। फिक्स्ड जो रेशो है, यहां फिक्स्ड रेशो में क्या होता है, हमने अनुक्रियाओं की संख्या को निश्चित कर लिया। जैसे कि हम बात करें कि भाई हमने फिक्स कर लिया, पहली ये बच्चे ने मान लीजिए 10 अनुक्रियाएं की है ना, 6, 7, 8, 9 और 10। मान लीजिए 10 दिन बच्चे का विद्यालय आने की बात है और हमने फिक्स कर लिया, हम पहले दिन बच्चे को स्कूल आने पर चॉकलेट देंगे, तीसरे दिन चॉकलेट देंगे, पांचवें दिन चॉकलेट दी जाएगी, सातवें दिन दी जाएगी और नवें दिन दी जाएगी, दूसरे दिन कोई चॉकलेट नहीं देंगे, चौथे दिन नहीं देंगे, और यहां नहीं देंगे, और यहां नहीं देंगे, यहां नहीं देंगे। तो यहां देखिएगा बच्चा जो है, यहां बच्चे को समझ आ जाएगा 3-4 दिन के बाद कि एक दिन छोड़कर एक दिन मुझे चॉकलेट मिल रही है।
अब बच्चे को छुट्टी मारनी होगी तो बच्चा बताइएगा 5वें दिन छुट्टी मारेगा या 6ठे दिन छुट्टी मारेगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताइएगा। छठे दिन छुट्टी मारेगा क्योंकि उसे पता है कि यहां पर पुरस्कार कुछ नहीं मिलेगा। लालच भाई, हमें लालच से ही तो सिखाना है। तो यहां देखो, क्रिया तो कर रहा है बच्चा, अनुक्रिया तो कर रहा है, लेकिन हम उसे पुनर्बलन किस आधार पर दे रहे हैं? फिक्स। दूसरा यहां पर क्या है? वेरिएबल रेशियो। वेरिएबल रेशियो देखो क्या कहता है कि आप बच्चे को पुनर्बलन देंगे लेकिन ये पुनर्बलन फिक्स नहीं है। आपने पहले दिन बच्चे को चॉकलेट दी, अब बच्चे को पता नहीं है, दूसरे दिन कुछ नहीं दिया, तीसरे दिन कुछ नहीं दिया, चौथे दिन फिर चॉकलेट दे दी, 5वें दिन फिर दे दी, 6ठे दिन कुछ नहीं दिया, 7वें दिन फिर दे दी, 8वें दिन कुछ नहीं दिया, 9वें दिन कुछ नहीं दिया। तो यहां बच्चा छुट्टी मारने से पहले 4 बार सोचेगा, हो सकता है आज चॉकलेट मिल जाए, हो सकता है आज चॉकलेट मिल जाए तो मुझे छुट्टी नहीं मारनी। यानी यहां बच्चा ऐच्छिक क्रिया तो कर रहा है, मर्जी से क्रिया कर रहा है, अनुक्रिया हो रही है, लेकिन इन दोनों की बात करूं तो दोनों में से जो अच्छा रेशो माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? वेरिएबल। क्योंकि यहां बच्चे को जो है वो क्रिया का जो है वो पता नहीं होता कि कहां पुनर्बलन मिल जाए। हाँ बिल्कुल बबीता, आप सही कह रही हैं, जैसे कि वेटर को पता नहीं होता कि टिप कब मिलेगी, अनुक्रिया के आधार पर। और इंटरवल की बात करूं तो इंटरवल में निश्चित समय, टाइम की बात इंपॉर्टेंट होती है। यहां अनुक्रिया महत्वपूर्ण नहीं होती, यहां समय महत्वपूर्ण होता है कि 2 घंटे बाद हम देंगे, 4 घंटे बाद हम दे रहे हैं, फिर 6 घंटे बाद दे रहे हैं। हमने टाइम फिक्स कर लिया, बच्चा क्रिया करे या ना करे, बच्चा एक्टिविटी करे या ना करे, हर दूसरे घंटे बच्चे को चॉकलेट मिल रही है तो बच्चा वहां निष्क्रिय हो जाता है। अगर हम कहें तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा, यहां पर जो अनुक्रिया, स्किनर की थ्योरी में अनुक्रिया इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ अनुक्रिया महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए अनुपात आंशिक रेशियो वाला जो सिस्टम है वो अच्छा माना जाता है। जी हाँ, वेटर को जब पता होता है कि टिप कहाँ मिलेगी तो वो अच्छा काम तो करता है, लेकिन जब वेटर को पता हो कि पता नहीं कब टिप मिल जाए, लेकिन अगर वेटर को पता है कि भाई हाँ ये मुझे इस काम पर टिप देंगे, इस काम पर टिप देंगे, तो वेटर उस काम को तो अच्छे से करेगा लेकिन बाकी कामों को वेटर उतने मन से नहीं करेगा। तो जहां पर पता ना हो, अज्ञात, इसीलिए तो अज्ञात की बात की उन्होंने, पता ना हो कि कहाँ पुनर्बलन मिलने वाला है, तो वहां जो है उसका प्रभाव जो होता है वो ज्यादा अच्छा मिलता है। तो यही बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट कही गई। तो पुनर्बलन जो सूची है वो अपने आप में ही क्या होती है? पुनर्बलन देने का तरीका। तो सतत और आंशिक में से कौन सा अच्छा माना जाता है? कौन सा अच्छा माना जाता है? आंशिक। गेम्स का पीरियड लंच के बाद, तो बच्चे गेम्स के यहाँ वेट करते हैं, फिक्स होता है ना बच्चों, वहां पर फिक्स होता है, फिक्स इंटरवल की बात होती है। तो ध्यान रखिएगा, फिक्स और वेरिएबल में कभी भी पूछा जाए तो वेरिएबल अच्छा होता है, जहां पर हमें पता ना हो, जहां हमें अंदाजा ना हो, पता ना हो तो वो इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन जहां हमें अंदाजा लग जाए कि भाई मुझे यहां पुनर्बलन मिलने वाला है, आइडिया लग जाए, तो वहां पर क्या होता है? बच्चा अपने कार्यों में बदलाव कर लेता है। तो इस आधार पर इन्होंने पुनर्बलन देने के कितने तरीके बताए? 2 तरह, सतत और आंशिक। अगला देखिएगा, अगली जो विधि इन्होंने बताई उसे इन्होंने क्या नाम दिया? शेपिंग। शेपिंग विधि बताई इन्होंने। शेपिंग में क्या होता है कि इसका इंपॉर्टेंट नाम ध्यान रखिएगा, दूसरा, शेपिंग को ही क्रमिक सन्निकटन विधि, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन कहा जाता है। शेपिंग और चेनिंग, चेनिंग भी अभी बताऊंगी, शेपिंग और चेनिंग
शेपिंग और चेनिंग जो है ये स्किनर के द्वारा दी गई दो थ्योरीज है। सबसे पहली बात शेपिंग चेनिंग की बात आए तो किससे जुड़ती है, स्किनर से। स्किनर ने क्या कहा कि यहां पर शेपिंग में क्या होता है कि मान लीजिए हम बच्चे को बड़ों के साथ हम अच्छा व्यवहार करना सिखाना चाहते हैं। अब क्या है, हमने अपने बच्चे को कहा कि भाई आप बड़ा व्यक्ति कोई भी घर आएगा तो आप उसे नमस्ते करेंगे, आप उसको नमस्ते करेंगे और नमस्ते करके सिखाएंगे, है ना। आपने बच्चे को कहा कि भाई नमस्ते करनी है। अब क्या है कि आपने बच्चे को बोल रखा है और घर में मान लीजिए एक व्यक्ति आपके मिलने वाले आए, मिलने वाले व्यक्ति आए तो आपने बच्चे को कहा कि नमस्ते करो, लेकिन बच्चा जो है उसने पूरी नमस्ते हाथ जोड़ के नमस्ते ना करके बच्चे ने बहुत धीरे से बोला नमस्ते। तो यहां उसके धीरे से नमस्ते बोलने पर भी आप उसे क्या करेंगे, पुनर्बलत। अगली बार जब वो व्यक्ति आएंगे तो बच्चा जो है उसका वो जैसे ही, उसकी अगर हम बात करें तो वो धीरे जो बोला था अब वो थोड़ा सा तेज बोलेगा, थोड़ा सा तेज बोलेगा तो आप फिर उसे कुछ ना कुछ पुनर्बलन देंगे। यानी अगर बच्चा वांछित व्यवहार के समान व्यवहार करता है, थोड़ा सा निकट व्यवहार भी करता है तो आप उसे क्या देते हैं, पुनर्बलन। धीरे धीरे उस पुनर्बलन के चलते बच्चा जो आप व्यवहार उससे चाहते हैं उस व्यवहार को करना शुरू कर देते हैं। भाई आपने आज ही अगर जिद पकड़ ली ना कि बढ़िया से पांव छुओगे और नमस्ते करोगे तो शायद बच्चा जिद में आकर नमस्ते करना छोड़ दे। लेकिन मान लीजिए बच्चे ने आज पांव नहीं छुए, खाली नमस्ते की, आपने उसे तुरंत शाबाशी दी, बहुत अच्छा बच्चे, बहुत बढ़िया। अगले दिन आपको फिर बच्चे ने नमस्ते करी और नमस्ते थोड़ा सा हाथ जोड़ के की, आपने फिर उसको शाबाशी दी। नेक्स्ट टाइम बच्चे ने आपके पांव छुए, अब बच्चा आपके रेगुलर पांव छूता है। यानी यहां पर हम बच्चे से जो व्यवहार चाहते हैं अगर उसके निकट उससे मिलता जुलता व्यवहार बच्चा करता है तो हम उसे तुरंत वहां पर पुनर्बलन देते हैं और धीरे धीरे उसके व्यवहार में जो व्यवहार हम चाहते हैं उस बच्चे से वो व्यवहार बच्चा करना शुरू कर देता है। तो उसी को क्या कहा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, शेपिंग। जो वांछित, यहां देखिएगा इसमें व्यक्ति को पहले एक वांछित व्यवहार को पुनर्बलन करके विकसित किया जाता है, उस व्यवहार को पुनर्बलित किया जाता है जो वांछित व्यवहार, वांछित व्यवहार अर्थात वो बिहेवियर जो आप बच्चे में चाहते हैं। हाँ, ग्रैंडमा जो रूल है वो स्किनर ने ही दिया है, एमडी मेयर, मैं उसकी भी अभी चर्चा करूंगी। ग्रैंडमाज रूल जो है, लगभग लगभग स्किनर की काफी सारे शब्द जो है मैं लेकर आई हूं जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। स्किनर की थ्योरी से पिछली बार भी अगर हम कहें तो टोकन इकोनॉमी पूछा गया है, तो इस बार भी संभव है कि भाई कोई ना कोई शब्द इनसे जुड़ा पूछा जाए। तो देखो हम बच्चे में जो चेंज लाना चाहते हैं, मान लीजिए आज हमने बच्चे को कहा कि भाई आज आप पूरा होमवर्क कर लेंगे तभी आपको टीवी देखने को मिलेगा, और बच्चे के मान लीजिए चार सब्जेक्ट्स हैं, बच्चे ने तीन सब्जेक्ट का काम कर लिया और एक रह गया लेकिन आपको दिख रहा है कि बच्चा थक गया, तो तीन का काम करने के बाद भी आपने उसे टीवी देखने की परमिशन दे दी। यानी कंप्लीट तो नहीं हुआ, आप जो चाहते थे, जो वांछित व्यवहार आप चाहते थे वो पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन उसके निकट भी अगर बच्चा पहुंच गया तो आप उसे वहां पुनर्बलन दे देते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, हम बच्चे में जो चेंजेस लाना चाहते हैं उसी तरह के चेंजेस में बच्चे को लेकर आना, जो शेप हम देना चाहते हैं वही शेप बच्चे को देना, उसी शेप में लेकर जाना, अपने आप में ही कौन सी टेक्निक कहलाती है, शेपिंग। तो शेपिंग में बच्चा जो है मन चाहे आकार में बच्चे को ढाल देना, शेपिंग कहो या सक्सेसिव मेथड कहो, देने वाले कौन है, स्किनर। अगला देखिएगा टाइम आउट। टाइम आउट से पहले हाँ देखिएगा चेनिंग की बात करती हूं मैं ना, शेपिंग के बाद मैं चेनिंग की बात करती हूँ। तो देखो चेनिंग जो है, चेनिंग भी स्किनर के द्वारा दिया गया शब्द है। चेनिंग में क्या होता है कि हम क्रम से व्यवहार सिखाते हैं,
क्रम से व्यवहार सिखाना, जिसमें कि आदत निर्माण की बात करें। जैसे हमने बच्चे को कहा सुबह 6 बजे जागना, फिर 6 से लेकर 7 बजे तक आपको आपके डेली रूटीन के काम करने हैं, और डेली रूटीन के काम कर नहाना धोना है। 7 बजे से लेकर और 9 बजे तक बच्चे को पढ़ना है, फिर 9 बजे बच्चा स्कूल जाएगा, विद्यालय जाना है, फिर विद्यालय से बच्चा जब घर आएगा तो 2 बजे बच्चा घर आया तो 2 से लेकर 4 तक बच्चा जो है वो रेस्ट करेगा, आराम का समय है। तो आपने क्रम से बच्चे की प्रतिदिन की जो क्रियाएं एक निर्धारित कर रखी हैं, और आप इसी के अकॉर्डिंग काम करने पर बच्चे को पुनर्बलन देते हैं, तो वहां जो आप बच्चे के बिहेवियर में चेंज लाते हैं, वो चेंज क्या होता है? चेनिंग होता है। तो शेपिंग और चेनिंग, शेपिंग और चेनिंग जो दोनों हैं, ये दोनों ही देने वाले कौन हैं? स्किनर हैं। अगला देखिएगा, इन्होंने क्या जो रूल दिया वो कौन सा था? शेपिंग के बाद टाइम आउट, समय बहिर्गामी, इंग्लिश में टाइम आउट, ध्यान रखना। यहां अगर बच्चा कोई गलत काम करने लगे तो बच्चा जो है उसको गलत काम करने से बचाने के लिए हम उस परिस्थिति से क्या कर देते हैं? बच्चे को दूर कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए बच्चा जो है हॉस्टल में रहने गया, या बच्चा मान लीजिए हॉस्टल में नहीं, आपने बच्चे को जो है जयपुर शहर में पढ़ने भेजा, और वहां जो है आपका कहूं कि बच्चा पढ़ने गया और वहां आपने रूम दिलाया, बच्चे के साथ उसका एक रूममेट भी है, बच्चा रूममेट के साथ रहता है, लेकिन रूममेट की संगति में बच्चा, आपको ये अंदाजा लग गया कि बच्चा जो है कुछ गलत आदतें सीख रहा है। तो यहां आपने क्या किया? बच्चे को उस परिस्थिति से क्या कर दिया? दूर कर दिया। आपने बच्चे का जो रूम है उस रूम को बदल दिया। तो यहां जो स्थिति है, गरिमा एकदम सही कह रही हैं, अब स्थिति जो है वो बिल्कुल विपरीत हो रही है और रूटीन पूरा बिगड़ा पड़ा है। सही बात है ना? तो यहां बच्चे को जो आपने वो रूममेट से दूर कर दिया, तो आपने उस स्थिति का क्या कर दिया? उस परिस्थिति से टाइम आउट आपका हो गया। जैसे कि मान लीजिए अभी कुछ दिन पहले क्लास में ऐसा हुआ, मैं अपना जो है पुराने चैनल पे पढ़ा रही थी, तो आप में से कुछ बच्चे जो है कमेंट में ही आपस में उनका एक तरह से झगड़ा उत्पन्न हो गया। तो कमेंट करना मैंने कुछ देर के लिए क्या कर दिया था? बंद कर दिया था, आपके कमेंट्स को मैंने ऑफ कर दिया था, और मैंने कमेंट्स ऑफ कर दिए कि आज आप बिना कमेंट्स के ही पढ़ेंगे, ताकि ना तो आप कमेंट कर पाएंगे और ना ही तो आपके गलत बिहेवियर को सुधारने के लिए आपके व्यवहार से कुछ चीजों को आपके आसपास से हटा देते हैं। उसे क्या कहा जाता है? टाइम आउट कहा जाता है। ठीक बात है, छोटे बच्चों को ऐसा टाइम आउट दिया जाता है। आज आपने गलती की तो आज आपको खेल का पीरियड नहीं मिलेगा, आज आपकी क्लास ने ज्यादा शैतानी की है, आज गेम्स पीरियड खत्म, आज गेम्स पीरियड की जगह मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो ये जो स्थितियां हैं, गेम्स का पीरियड हटा देना अपने आप में ही कौन सी स्थिति है? टाइम आउट। रामेश्वर कह रहे हैं कल वाली पीडीएफ खुली नहीं, तो क्या सभी बच्चों की नहीं खुली या केवल रामेश्वर की नहीं खुली? बिल्कुल। नेक्स्ट देखिएगा, अनुक्रिया लागत। हाँ, टेक्निकल टीम भी टाइम आउट करती है, तो भाई टाइम आउट जो है वो स्किनर के द्वारा दिया गया है, आपको ध्यान रखना है ना। चलिए एक बार सब बच्चे देख लीजिएगा। अच्छा, ओपन हो गई तो हो जाएगी फिर, और आप देखिएगा रामेश्वर, उसमें कोई दिक्कत होगी तो ड्राइव आपका सही नहीं होगा, या तो आप एक बार चेक कीजिएगा। ठीक है, आप देखो अनुक्रिया लागत, रेस्पॉन्स कॉस्ट, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए बच्चे ने कोई गलती की, और गलती करने के बदले आप उसे जो पुरस्कार दे रहे थे, या उसको जो आपने पुरस्कार पहले दे रखा था, आप उस पुरस्कार को हटा लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने बच्चे से प्रॉमिस किया कि 10th में बच्चे का रिजल्ट अगर अच्छा आया तो आप बच्चे को मोबाइल फोन दिला देंगे, ठीक है?
हाँ बिल्कुल, सभी की ओपन हो गई तो इसका मतलब आपके जो है ड्राइव में कोई दिक्कत है, एक बार चेक कीजिएगा, है ना। सभी बच्चों की ओपन हो गई। अब देखो, पापा ने ये प्रॉमिस किया बच्चे को कि अगर 10th में अच्छा रिजल्ट आया तो बच्चे को मोबाइल फोन मिल जाएगा। चलिए, बच्चे का रिजल्ट अच्छा आया और पापा ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया। अब मोबाइल फोन मिलते ही बच्चे ने पढ़ना छोड़ दिया। 11th में उसके जो नंबर्स हैं काफी कम आए और 12th का जो बोर्ड एग्जाम है उसमें भी पिताजी को लग रहा है नंबर कम आएंगे। तो यहाँ पिताजी ने पहले जो पुरस्कार दिया था, उस पुरस्कार जो दिया गया था उसे बच्चे से क्या किया, पिताजी ने वापस ले लिया। तो दिए गए पुरस्कार को, दी गई सुविधा को जब हम वापस ले लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, रेस्पॉन्स कॉस्ट कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए, माँ ने आपको 2 चॉकलेट दी लेकिन आपने जब शैतानी की तो माँ ने 1 वापस ले ली, मैं आपको अब चॉकलेट नहीं दूंगी, माँ ने वापस लेकर रख ली। तो यहाँ की बात करूं तो उसे क्या कहेंगे, रेस्पॉन्स कॉस्ट कॉस्ट कहेंगे। तो ये जो, हाँ बिल्कुल, वंचन हो सकता है नारायण इंग्लिश में इसी को कहा जाए। तो देखो, इंग्लिश टर्म आप ध्यान रखिएगा, एक बार वंचन को इंग्लिश में देखिएगा तो वो किससे रिलेट करेगा, है ना। क्योंकि जो स्किनर की इंपॉर्टेंट थ्योरीज है वो मैं लेकर आई हूं। अब वंचन, उसको एक बार या तो हम पढ़ें कि वंचन में क्या लिखा है, उसकी लैंग्वेज पढ़ें या उसको इंग्लिश में देखें। तो वंचन होता है किसी चीज से, वैसे किसी चीज की कमी, वंचित हो जाना। अच्छा, ऐसा नहीं करना चाहिए प्रिया, स्किनर यही तो कहते हैं भाई, बच्चा तो मर्जी से क्रिया करेगा, मर्जी से काम करेगा, पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा बच्चे की मर्जी है, लेकिन आप उसे पढ़ने के लिए प्रेरित कैसे कर सकते हैं, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। माँ ने बच्चे को कहा होमवर्क कर लोगे तो भाई टीवी देखने दूंगी। बच्चे ने एक दिन होमवर्क किया, माँ ने टीवी देखने दिया, दूसरे दिन होमवर्क किया, माँ ने टीवी देखने दिया। अब बच्चे को लगता है माँ तो बिना होमवर्क करे ही टीवी देखने देती है। तो बच्चा 3-4 दिन से होमवर्क नहीं कर रहा, आराम से बैठकर टीवी देख रहा है। और आज माँ ने क्या किया, टीवी बंद की, स्विच ऑफ किया, रिमोट लिया और रख दिया। जब तक होमवर्क नहीं करोगे आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी। तो यहां पर क्या होगा, अनुक्रिया लागत। अगला देखिएगा, प्रिमैक नियम, प्रिमैक प्रिंसिपल, बहुत अच्छा, और इसी को ग्रैंडमाज रूल भी कहते हैं, ये दादी का नियम कहा जाता है। हाँ, किसी चीज से दूर कर देना, है ना। बिल्कुल, किसी चीज से अलग कर देना, वो आपके इसी से रिलेट हो जाएगा, है ना। ये आपके इसी वाले जो हमने अभी पढ़ा ना, उसी से रिलेट हो जाएगा आपका, रेस्पॉन्स कॉस्ट से। बिल्कुल हाँ, ऐसा हो सकता है आशा, आप ऐसा कह सकती हैं कि भाई आज आपकी हिंदी की क्लास भी उसी समय लगाई गई है और जानबूझकर समय चेंज किया गया है ताकि, चलिए कोई बात नहीं बच्चों, मेरे साथ आप बच्चे हैं। और अगर कोई सोचता है कि भाई टाइम चेंज करके या किसी और तरह से मुझे नुकसान दे सकता है, तो भाई बच्चों आपने अगर आगे बढ़ाना है, आपने सब्सक्राइबर मेरे बढ़ाने हैं, तो फिर कोई नहीं रोक सकता, उसको कोई नहीं रोक सकता। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि भाई टाइम बदल के मेरे स्टूडेंट्स को रोक सकता है, मेरे व्यूज को रोक सकता है, या कहें कि भाई मेरे सब्सक्राइबर जो ग्रोथ है उसको रोक सकता है, तो बच्चों ये आपके ऊपर है ना। और मैं बिल्कुल, मैं आपके ऊपर डिपेंडेबल हूँ। और संगीता, अच्छा स्कूटी अच्छा दिलाई नहीं, स्कूटी नहीं दिलाई। हाँ तो बच्चा बिल्कुल, ये आपके ऊपर है बच्चों, है ना। तो हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, लेकिन फिर भी चलिए कोई बात नहीं, मुझे इतना पता है मुझे मेरा काम करना है और मैं अपना काम अपनी ईमानदारी के साथ कर रही हूँ। और चलिए, धन्यवाद बहुत बच्चों, आप जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, भाई मैंने केवल और केवल आपके लिए ही, मैं आपको फिर वही बात कि भाई मुझे यही लगा कि ये बिल्कुल एन मौके पे मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकती थी, है ना। परीक्षा बिल्कुल सर पर है और इस समय मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकती थी। और एज अ साइकोलॉजी टीचर मुझे ये बात अच्छे से पता है कि भाई हम जिन अध्यापक के साथ, जिन टीचर्स के साथ हमारा एक कनेक्शन बैठ जाता है, हमें उनसे लर्निंग भी बहुत अच्छी होती है। तो ऐसा समय पे मैं आपको बिल्कुल छोड़ नहीं सकती थी, इसीलिए, है ना। चलिए धन्यवाद भाई,
ग्रैंडमाज रूल देखिएगा, ग्रैंडमाज रूल क्या कहता है, या प्रीमैक प्रिंसिपल। देखो पिछली बार टोकन इकोनॉमी पूछा गया था, इस बार हो सकता है प्रीमैक प्रिंसिपल पूछा जाए। तो देखिएगा इसमें वांछित व्यवहार व्यक्ति को, अब देखो मैं इसको वैसे बता देती हूँ, तो यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे से हमें कुछ काम करवाना है, तो कार्य के बदले बच्चे को आकर्षक पुरस्कार का लालच देते हैं, और आकर्षक पुरस्कार का जो लालच है वो लालच क्या कहलाता है, ग्रैंडमाज रूल। आप सभी बच्चे हैं, आपकी दादी ने आपको ये लालच जरूर दिया होगा, मेरा काम कर दे 2 रुपए दूंगी, मेरा काम करेगा तो 2 रुपए मिल जाएंगे। तो कार्य के बदले पुरस्कार का लालच, उसे क्या कहते हैं, प्रीमैक नियम कहते हैं, प्रीमैक नियम कहते हैं। और ग्रैंडमा दादी जो है बार बार इस लालच का प्रयोग करती है, माँ तो नहीं देती, माँ तो दी हुई सुविधा हटा लेती है, और दादी फिर से नया नियम बना देती है, नहीं, अगर ये इतना कर लेगा तो फिर मैं उसे ये दिला दूंगी। पिताजी के द्वारा जैसे कि आपको कहना, आपको लालच दिया गया, अभी संगीता लिख रही थी ना कि स्कूटी का लालच दिया कि आपके 10th में इतने नंबर आ जाएंगे या 12th में इतने नंबर आ जाएंगे तो स्कूटी मिल जाएगी। तो लालच, कार्य के बदले जब हमें कोई लालच दिखाया जाता है, दिया नहीं जाता, दिखाया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, ग्रैंडमा का नियम कहलाता है, या उसी को क्या कहते हैं, प्रीमैक नियम कहते हैं। यहां जरूरी नहीं उसको पूरा किया जाए, जैसे अभी संगीता लिख रही थी, संगीता जब लिख रही थी ना तभी मैं पढ़ रही थी तो मुझे लग रहा था कि भाई मैं जब नियम आएगा तब बताऊंगी। तो संगीता बिल्कुल आपके घर में आपको ये लालच कि भाई स्कूटी मिलेगी, और आप उस लालच के लिए जो पढ़ रहे हैं, मिले या ना मिले वो अलग है, लेकिन जो हमें लालच दिया जाता है वो क्या कहलाता है, प्रीमैक नियम कहलाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं चीकू, लालची। सांकेतिक व्यवस्था, टोकन इकोनॉमी, ये पिछली बार पूछा गया था। इसमें देखो क्या होता है टोकन इकोनॉमी, इसमें बालक को कार्य के बदले जो पुरस्कार या संकेत दिया जाता है उसको बच्चा एकत्र करके अपनी मन वांछित वस्तु से बदल लेता है। आपने गौर किया होगा स्कूल्स में, आजकल तो स्कूल्स बंद है, स्कूल्स में क्या होता है, टीचर एक तरह का चार्ट बनाती है, और ये चार्ट बनाया और ये चार्ट में सब बच्चों के नाम लिखे, हर बच्चे के नाम लिखे गए, है ना, क्लास का चार्ट बना, और यहाँ पर मंथ लिखे गए, जैसे ये जनवरी मंथ है, ये फरवरी मंथ है, ये मार्च है, ये अप्रैल है, नाम लिखे गए। आपने इस महीने कुछ अच्छा काम किया, आपके नाम के आगे स्टार लगा दिया गया, आपने इस महीने कुछ और अच्छा किया, नाम के आगे स्टार लगा दिया। मान लीजिए इस महीने आपको 4 स्टार मिल गए, और टीचर ने ये बात कही कि भाई जिस बच्चे को 5 स्टार मिल जाएंगे, 5 स्टार के बदले आप कुछ भी मुझसे मांग सकते हैं, तो यहां बच्चा उन स्टार्स को इकट्ठा करने का प्रयास करेगा कि भाई 5 स्टार होते ही टीचर से कहूंगा कि भाई आज मुझे एक दिन की फ्री अटेंडेंस दी जाए, 5 स्टार होते ही टीचर से मुझे 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो यहां की बात करें, ये जो बात की जाए, तो यहाँ ये जो एक संकेत है जिसे बच्चा अपनी मन वांछित वस्तु से बदल सकता है वो क्या कहलाती है, टोकन इकोनॉमी। धन्यवाद भाई, सभी बच्चों का बहुत बहुत थैंक यू। तो बिल्कुल बच्चों, हम सब मिलके बहुत अच्छा करेंगे, आप बच्चे साथ हैं तो हम अच्छा करेंगे। और रही बात चैनल की, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, कोई कहें कि कोई समस्या नहीं है ना, बच्चे साथ होते हैं ना तो सब काम अच्छा हो जाता है, और मुझे उम्मीद है कि आप बच्चे मेरे साथ रहेंगे। तो बिल्कुल आप में से एक बच्चों की, कुछ बच्चों की ये है कि भाई बोर्ड लगा लीजिए, ये मेरे पास कई बार आता है, तो मैं वही बोल रही थी कि बच्चों जब सब्सक्राइबर्स और बढ़ जाएंगे ना तो बोर्ड की कुछ व्यवस्था हो पाएगी, क्योंकि घर वालों को, मैं मेरी बात करूं तो वही काफी सारी व्यवस्था के लिए मैंने अभी भी कुछ, मुझे कंप्यूटर सेटअप जो है, मुझे नए कंप्यूटर्स लेने पड़ेंगे, तो नया कंप्यूटर और पूरा सेटअप, तो वो तो व्यवस्था हो गई,
उसमें कहूँ कि भाई अलग से आपका जो कैमरा है तो उसके लिए भी भाई हर चीज, ऐसा नहीं है कि भाई थोड़ा सा समय लगता है ना। अच्छा, इसको फॉर्मेट या लॉग बुक कहते हैं मितांकी, और ये किस पर बेस्ड होती है? ये टोकन इकोनॉमी पर बेस्ड होती है। आप घर पे भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपके घर पे, मान लीजिए आपके घर में बच्चे हैं ना, और आपने अपने घर में बच्चों को कहा कि भाई ये चार्ट है तुम्हारा एक्टिविटी, और इस चार्ट में मैंने 1 वीक का ये चार्ट बनाया है, और 1 वीक के चार्ट में अगर आपने इस हफ्ते में, इस एक सप्ताह में मुझसे 5 स्टार ले लिए अच्छे काम के बदले, अच्छा काम करोगे तो 1 स्टार मिल जाएगा, और गलत काम करोगे तो मैं स्टार को इरेज कर दूंगी, और आपने मान लीजिए 5 स्टार ले लिए तो फिर आप बदले में मुझसे कुछ भी ले सकते हैं। तो ये जो है इसे क्या कहा जाता है? टोकन इकोनॉमी कहा जाता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये बिल्कुल, इसे क्या कहते हैं? टोकन इकोनॉमी। तो बच्चों मैंने आपको ये देखो 7-8 बातें बता दी स्किनर की। सबसे पहले हमने चर्चा की पुनर्बलन की, फिर बात आई पुनर्बलन सूची की। पुनर्बलन सूची के बाद हमने जो पढ़ा वो पढ़ा अनुक्रिया लागत, रेस्पॉन्स जो आपकी रेस्पॉन्डेंट कॉस्ट है, फिर टाइम आउट की बात की। टाइम आउट के बाद मैंने आपको प्रीमैक नियम बताया, और अब बात किसकी की है? टोकन इकोनॉमी। स्किनर की थ्योरी का अगर मैं महत्व बताऊं तो स्किनर की थ्योरी का जो महत्व है, सबसे पहला जो महत्व है आदत निर्माण में उपयोगी, पावलोव की भी उपयोगी है और स्किनर की भी उपयोगी है। दोनों में डिफरेंस क्या याद रखेंगे? पावलोव की जो थ्योरी है वो यांत्रिकता से आदत बनाती है, और स्किनर की थ्योरी में आदत निर्माण जो है वो किस आधार पर होता है? पुनर्बलन के आधार पर। ठीक है, दूसरा ये जो थ्योरी है इस थ्योरी के आधार पर शिक्षण विधि प्रतिपादित की गई है, लर्निंग की एक थ्योरी दी गई है, और लर्निंग की वो जो थ्योरी है वो आपको टीचिंग मेथड्स में मैं पढ़ाऊंगी, या तो आज मैं आपको यही थ्योरी पढ़ा देती हूँ। लर्निंग की थ्योरी है अभिक्रमित अनुदेशन विधि, स्किनर से ही रिलेट होती है। तो अभिक्रमित अनुदेशन विधि, जिसे प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस कहा जाता है, ये जो विधि है ये स्किनर के द्वारा ही प्रतिपादित है, और ये विधि इसी थ्योरी पर बेस्ड है। तो ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एक महत्व है। तीसरी बात करें तो जीवन से जुड़ी विधि है, जीवन से जुड़ा सिद्धांत है, तो जीवन में उपयोगी नियम है इस थ्योरी के। भाई मैंने आपको नाम बताए, दादी लालच तो ना जाने सदियों से दे रही है, सदियों से लालच दिया जा रहा है, लेकिन सदियों से लालच मिल रहा है ना, पर उसका नाम जो है वो हमें अब पता लगा कि उसे प्रीमैक नियम कहते हैं। तो लालच तो सदियों से ही मिल रहा है, तो जीवन में क्या है? उपयोगी नियम। अगली स्थिति कि ये जो थ्योरी है इस थ्योरी में अनुक्रिया इंपॉर्टेंट है, अनुक्रिया महत्वपूर्ण होती है। तो यहां जो है इसीलिए ये जो थ्योरी है इस थ्योरी को क्या नाम दिया गया है? आरएस थ्योरी दिया गया है। तो ये थ्योरी स्किनर की है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि भाई आज मैं आपको ये वाला टॉपिक पढ़ा देती हूँ जिसमें ये जो अभिक्रमित अनुदेशन विधि है, क्योंकि स्किनर से ही रिलेट करता है ना, स्किनर से ही रिलेट करता है, तो आज हम इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं। और कल जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था, कल के टॉपिक से जुड़े मैं आज प्रश्न आपको करा दूंगी। तो जो लर्निंग आउटकम है उससे जुड़े हम क्वेश्चंस कर लेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ स्किनर की थ्योरी से ले लेंगे। तो देखते हैं इवनिंग में, लेकिन इवनिंग में पहले मैं आपको ये थ्योरी पढ़ाऊंगी, है ना, और समय बचेगा तो फिर प्रश्नों को कराऊंगी, और नहीं तो फिर उनके लिए एक अलग से टाइम की व्यवस्था करेंगे। ठीक है भाई, तो आज हमारी क्लास जो है कंप्लीट हुई, आज की क्लास। स्किनर की थ्योरी आपने आज पूरी पढ़ी, काफी बड़ी थ्योरी थी, और स्किनर की जो थ्योरी है बच्चों इसमें कुछ चीजें जिसमें कि जो मैंने आपको शब्द बताए पुनर्बलन और इत्यादि इत्यादि, ये ये बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। तो सभी बच्चे जो साथ जुड़े हैं भाई सभी का धन्यवाद। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, रात की क्लास 9 बजे होगी। और हाँ, इसकी क्लास अलग, मैं भी यही सोच रही हूँ आर के मीना क्लास अलग लगा दें। तो रात की क्लास 9 बजे लूंगी जिसमें मैं आपको यही टॉपिक कराऊंगी, अभिक्रमित अनुदेशन विधि। तो बिल्कुल सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल मिलते हैं रात को 9।